अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत खूबसूरत प्यारी सी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम आज की सुबह जिंदा हैं, सेहत याब हैं। आपको सबको वेलकम करती हूँ, सलाम करती हूँ। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन कहते हैं कि बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं और बेटे अल्लाह की नेमतें होती हैं, नेमतें होती हैं और नेमतों का हिसाब होता है लेकिन रहमतों का हिसाब नहीं होता, है ना ये बात। तो जनाब, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, फिक्र तो जाहिर है शुरू होती है, मगर बेटी के पैदा होने के बाद थोड़ी फिक्रें ज़्यादा होती हैं। और फिक्रें होती हैं पहले उसकी पढ़ाई की, उसकी अच्छी तरबियत की, और फिर सबसे बड़ी फिक्र जो माँ बाप को घेरे हुए होती है वो होती है उसका अच्छा नसीब। अच्छा नसीब की फिक्र तो जाहिर होती है बचपन से ही, जैसे ही लोग बेटी को देखने आते हैं वो यही कहना शुरू कर देते हैं अल्लाह ताला इसको सबसे बड़ी दुआ ये है कि इसको सबसे अच्छा नसीब, इसका नसीब अच्छा अल्लाह करे अल्लाह ताला, और यही दुआ बेटी के लिए सबसे बड़ी समझी जाती है। फिर जब वो बड़ी होती है तो फिर एक और फिक्र माँ बाप को खाई जा रही होती है, वो होती है उसके रिश्तों की फिक्र। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरी अम्मी हो, चाहे वो आपकी अम्मी हो, चाहे आपका किसी भी क्लास से ताल्लुक हो, ऐसा हो नहीं सकता कि माँ बाप को बेटी के रिश्ते की फिक्र ना हो। और कभी कभार इस फिक्र में वो ज्यादती भी कर देते हैं अपनी ही चीज़ के साथ, कभी कभार वो इस फिक्र में ज्यादती कर देते हैं अपनी उस नाजों से पली हुई बेटी के साथ। शायद जब वो रिजेक्ट होती है तो उनको अपनी बेइज्जती फील होती है, शायद जब वो रिजेक्ट होती है तो उनका दिल टूटता है, शायद जब वो रिजेक्ट होती है तो उनको लगता है हम में ही कुछ कमी है, हमारी बेटी में ही कुछ कमी रह गई, हमारी तरबियत में कुछ कमी रह गई, शायद हम अपनी बेटी को उतना अच्छा ग्रूम नहीं कर सके। जब रिश्ता होता है तो उसकी क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, उसकी बातें और उसकी पर्सनालिटी तो बाद में देखी जाती है लेकिन सबसे पहले देखी जाती है उसकी फिजिकल अपीयरेंस, नाक आंख कान पतली कमर हाइट बाल रंग और ना जाने क्या क्या। और इसी कशमाकश में जो बेटी का जो परवरिश की है, जो तरबियत दी है माँ बाप ने, उसकी जो सोच है, उसकी जो पाकीजगी है, वो कहीं पीछे रह जाती है। और ये शायद आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ हुआ हो, शायद आपके अपने घर में हुआ हो, शायद आपके अपने पड़ोस अपने खानदान अपने जानने वालों के यहाँ हुआ हो। तो हर कोई इस चीज़ से रिलेट कर सकता है कि कम से कम एक लड़की कम से कम भी 10 बार तो ड्राइंग रूम ट्रायल्स में गई है, और फिर वहाँ पे आने वाले उसको ऐसे देखते हैं कि जैसे वो कोई कुर्बानी का बकरा खरीदने आए हैं, या वो शॉपिंग करने आए हैं कि बेहतर से बेहतर चीज़ खरीद के ले जाएं। बिल्कुल एक फ्रूट की तरह, जैसे हम तरबूज खरीदने जाते तो हम कहते हैं पहले काट के दिखाओ कितनी मिठास है उसमें, मीठा है। और बस नहीं चलता लड़के वालों का कि वो ये भी बताएं कि ज़रा काट के दिखाओ उसका दिल कैसा है, वरना वो सारी चीज़ें परख ली जाती हैं उसी वक्त, कैसी आंख कैसी नाक जबान की तेज, ये सारी चीजें एक ही नजर में एक ही मुलाकात में समोसे और पैटीज खाते हुए कैसे परखी जा सकती हैं, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। कि जाहिर है हर कोई अपना पहला इंप्रेशन तो बड़ा अच्छा छोड़ना चाहता है, तो लड़की वाले भी एक से एक सजावट करके और लड़के वालों को बुलाते हैं, लेकिन कैसे हो सकता है कि एक ही नजर में आप ये जायजा ले लें कि ये लड़की सही है या ये लड़की सही नहीं है। और घरों में हमें जाना चाहिए, और ये बाकायदा सिलसिला चलता है कि एक ही दिन के टाइम 3 जगह लिए जाते हैं, कि टाइम नहीं है भाई लड़के के पास या लड़के की फैमिली के पास, तो किसी के घर सुबह का नाश्ता होता है, किसी के घर दोपहर का खाना होता है, और किसी के घर शाम की चाय या डिनर होता है। मैं खुद इन चीज़ों से गुजरी हूँ, तो मेरे घर एक दफ़ा नाश्ते पर आए थे, मेरा नंबर नाश्ते पर आया था, मतलब सुबह के नाश्ते पे, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो यूनिवर्सिटी जाना है, सुबह के नाश्ते में मैं होंगी नहीं, तो अम्मी ने मेरी छुट्टी कराई थी। नहीं बेटा उनके पास नाश्ते का ही टाइम है। अब जस्ट इमेजिन, मैं पढ़ी लिखी लड़की एक लिबरल घराने से ताल्लुक रखते हुए, लेकिन हर कोई इस चीज़ से गुजरा है। आज हम यही चीज़ लेकर एक शो आपको सामने लेकर आएंगे और इससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकेंगे। इस शो से होगा क्या, अब आप यही कहेंगे कि शो से होगा क्या, बातें करेंगे चले जाएंगे,
हो सकता है इस शो को देखने के बाद बहुत सारे लड़के वालों के दिमाग दुरुस्त हो जाएं, हो सकता है इस शो को देखने के बाद बहुत सारे माँ बाप जो लड़कियों पे बेजा प्रेशर दिए होते हैं, उन्हें खुद कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रहे होते हैं, हो सकता है वो भी थोड़े से सुधर जाएं। मैं आज जो है सिर्फ लड़के के माँ बाप को नहीं, लड़कियों के माँ बाप को भी सुधारने की कोशिश करूंगी। देखिए देखिए आज के शो का जो सेंट्रल आइडिया है वो तो हमने यही रखा है कि कुछ सुधार आए माशरे में। अब देखते हैं शायद हमारी इतनी सारी ढाई घंटों की बातों में कोई एक बात आपके दिल पे लगे और आप लड़की देखने जाएं, अपने खानदान की बहू बनाने जाएं, कोई डेकोरेशन पीस नहीं लेने जाएं बगैर पैसों के डेकोरेशन पीस। अच्छा, और जब खूबसूरत लड़की नजर आ जाती है और वो थोड़ी सी बड़बोली होती है तो कहते हैं खूबसूरत ही खूबसूरत, खूबसूरत नहीं थी, तो कभी कभार ऐसा भी होता है। तो लड़कियों, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगी जैसे कि आपको समझाया जाता है जब लड़के वाले आए तो चुप करके बैठो, जबान नहीं खोलना, ज्यादा हंसना नहीं, दांत खींच करके नहीं बातें करना, बहुत ज्यादा बोलना नहीं, अच्छी सी तैयार हो, धूप में ना निकलो, रंग यूनिवर्सिटी की पॉइंट्स में ना लटको, पॉइंट में जाओगी तो रंग खराब हो जाएगा। आई डोंट नो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं कहने वाली। मैं आपको सिर्फ ये कहने वाली हूं, अपनी कदर जब तक खुद नहीं करोगी कोई और तो कर ही नहीं सकता, अपनी कदर करो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद आज बहुत सारी ऐसी कहानियां होंगी जो शायद आपको अपनी कदर करने पर मजबूर कर देंगी, क्योंकि आप सबसे खूबसूरत हैं, आप सबसे इंटेलिजेंट हैं और आप जैसा और कोई नहीं। ये जब सोच लेंगी ना तो नहीं आपको ड्राइंग रूम ट्रायल्स देने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे आज के शो का नाम होना चाहिए हम किसी से कम नहीं, और मैं ये चाहती हूँ काश ये लड़की, हर लड़की अपने अंदर से ये आवाज़ उसके आनी चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो के फिर वो प्रोसेस होता है और वो माँ बनती है, फिर वही जो उसने पूरी जिंदगी भुगता होता है फिर वो अपनी बेटी में भी वही चीज़ ट्रांसफर करती है, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है वाइस वर्सा कि बेटा ऐसे करो, सारी कमियां हमें ही हैं, हमने कोई गड़बड़ की होगी, मियां से रूठ के घर आ गई हो, तुम में ही कोई प्रॉब्लम होगी। ये सारी बातें मेरे ख्याल से हम सब सुन चुके हैं अपनी माओं से। इस वक्त मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने वाली हूँ जिनकी स्टोरी जब मैंने सुनी उनकी जबानी तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई। मैंने कहा वाओ यार, दिस इज समथिंग, ये कोई ऐसी चीज है जो मुझे अपने शो पे आप सबसे शेयर करवानी चाहिए। मगर उनकी कहानी अगर मैं अपनी जबानी सुनाती तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं आता, शायद वो चेंज जो हम सोसाइटी में लाना चाह रहे हैं वो नहीं आता। तो बड़ी मुश्किलों से इनको ढूंढा गया और इनको ढूंढ के इनसे रिक्वेस्ट की गई प्लीज यहाँ आइए और अपनी दास्तान, अपनी जबानी हमसे शेयर करें। मेरे साथ यहाँ मिसेज राहत रजा हैं और ये हमसे शेयर करेंगी अपनी जिंदगी में रिजेक्शन की कहानियाँ, बचपन से लेकर शादी तक कितनी दफा इनको रिजेक्ट किया गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, से रहिए। और देखिए आज उन्हीं रिजेक्शन की वजह से आप इधर हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सब लोगों को मालूम नहीं होता वरना वो रिजेक्ट ना करते। एंड आई एम बाय द वे थैंकफुल टू दोज पीपल हु रिजेक्टेड मी, इसलिए कि उनके रिजेक्ट करने की वजह से अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, देर से दिया मगर दुरुस्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। राहत के साथ उनकी बेटी भी है और अम्मी आपके सामने भी मजे से कहानी सुना देती है ना, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। आइए जी हम राहत की कहानी से शुरू करते हैं कि इनकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए और इन्होंने उनसे क्या सीखा। जी राहत, असल में कहानी तो हर लड़की की लाइफ में होती है ना निता, बात सारी ये है कि हाउ डू यू टेक इट, आप उस कहानी को अपने लिए कितना पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला कहता है कि लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम, अब जब उसने कह दिया हमने मुकम्मल बनाया, बेहतरीन शक्ल और सूरत के साथ बनाया, तो फिर हमें कहाँ गुंजाइश रह जाती कि हम उसको ऑल्टर करें, नहीं रहती ना। बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन फिर भी हम कहते हैं
मैं तो हमेशा से, मुझे बचपन से याद है, मैं एक मोटा बच्चा होती थी अपने घर का, और बच्चियां जब छोटी होती हैं मोटी सी गोल गपाड़ा सी प्यारी सी पोनिया की भी फ्रॉक्स पहनी भी वो अच्छी लगती हैं, है ना। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यही मोटी गपलू सी बच्ची बड़ी भी होगी तो भी मोटी गपलू सी ही तो रहेगी, है ना। फिर कुछ लाड प्यार होता है, कुछ ईटिंग हैबिट्स ऐसी, आपके चाचा मामू अम्मा अब्बा भाई बहन आपके बड़े सिबलिंग्स, वो होते होते मैं एक मोटा बच्चा से एक मोटी बड़ी लड़की बन गई। तो मुझे नहीं लगा कि कोई कमाल की बात है। ठीक है भाई, मोटे हैं तो हैं, वो एक फेमस बात लोग कहते हैं, ठीक है अपने बाप का खाते हैं, ठीक है ना भाई, क्या जा रहा है किसी का। लेकिन जब ज्यादा थोड़े बड़े हो गए यानी टीनेजर्स में आ गए, मैं एक बात का जिक्र जरूर जब मैंने पहली बार ये फील किया कि नहीं ये ठीक नहीं है, हम स्कूल में थे और एक ड्रामा बनना था, फेरी टेल बननी थी सिंड्रेला, तो हम सबको कुछ डायलॉग्स दिए गए कुछ सिलेक्टेड लड़कियों को कि ये तुम लोग डिलीवर करके दिखाओ। मुझे भी मिला, आई वाज वेरी हैप्पी कि आई मैं सिंड्रेला बनने वाली हूँ, यू नो द टीन एजेस एंड दिस फेरी टेल कैरेक्टर। तो लेकिन जब एंड आई डिलीवर्ड दोज डायलॉग्स सो परफेक्टली, आई वाज वेरी हैप्पी, हमारी टीचर थी उन्होंने सुना, उन्होंने कहा हाँ शी इज ओके। लेकिन उसी दौरान मुझे, आई डोंट वांट टू कोट द नेम ऑफ दोज टीचर्स बिकॉज हर एक की इज्जत मेरे लिए उतनी ही है, ठीक है ना। तो मुझे कहीं से आवाज है कि नहीं नहीं इतनी मोटी सिंड्रेला, आई सेड क्या मतलब, लुक एट मी यार, इतनी बुरी भी नहीं हूँ, है ना, सच्ची बात है ना, सच्ची बात, आपके बोलने में जादू है। थैंक यू। तो तब मुझे बहुत फील हुआ कि अच्छा मैं मोटी हूँ, मतलब मैं नहीं कुछ भी कर सकती। लेकिन उसके बाद मैंने सोचना छोड़ दिया कि मैं मोटी हूँ। मैंने सोचना शुरू कर दिया, मैं कभी रोती भी थी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अच्छी चीज क्या है मेरे अंदर, मैं उसको ढूंढ के निकालूं। ठीक है, ये नहीं सोचा आपने कि मुझे पतले होना है, मुझे जिम करना नहीं, है, नहीं, मुझे मैं खाना करना। नहीं छोड़ सकती थी ना, मैं क्यों जिम जाऊं, मुझे अल्लाह ने ऐसे ही बनाया एंड आई एम हैप्पी विद दैट। तो अल्लाह जिसने मुझे ऐसा बनाया उसने मुझे कोई और स्किल्स भी तो दी होंगी ना। अच्छा, कभी डाइटिंग करने की कोशिश भी नहीं की, सबके कहने पर फोर्स करने पे, अम्मी आपा कुछ कम कर दो, और मेरी अम्मी तो बेचारी अल्लाह उनको खुश रखे, वो इतना मुझे सपोर्ट करती थी कि वो मेरे लिए डाइट मील बना के रखती थी कि तुम ये खा लो वो खा लो, कुछ अरसे किया तो कभी चक्कर वक्कर आए, डाइट मील खाया नहीं, 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 चक्कर वो तो इतना था ना कि छोड़ने के बाद भी चक्कर वक्कर नहीं आते। लेकिन क्या हुआ कि देखो असल में आप अपने मुंह को सारी जिंदगी के लिए तो जिप नहीं लगा सकते, ठीक है ना। देयर कम्स टाइम्स कि आप खाना चाहते हैं, इतनी टेम्पटेशन होती है, इतनी क्रेविंग होती है, फिर एक हफ्ते का सब बराबर हो जाता है, है ना, यही होता है, ऐसे छोड़ो दफा करो। अब ये ढूंढो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या स्पेशल दिया है। ठीक है, आई वॉज नॉट मच इन टू स्टडीज, वो एक पढ़ाई से भागने वाला बच्चा होता है, होता है जिसको कान पकड़ पकड़ के टीचर कहती है पढ़ो, आई वॉज दैट चाइल्ड, एन एवरेज स्टूडेंट। वो मेरी टीचर मुझे याद है, उनका नाम मिसेज रुखसाना आजम है, वो जहाँ कहीं भी अल्लाह उनको खुश रखे, वो हमेशा कहती थी तुम कर सकती हो, तुम करती नहीं हो। मैं स्पोर्ट्स करती थी अपने स्कूल में, ड्रामास पोएट्री सब कुछ, फिर कॉलेज टाइम में मैंने हर चीज में घुसना शुरू कर दिया कि टू सर्च आउट कि मैं अच्छा कहाँ पे कर सकती हूँ। अच्छा, आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्रीज, मैंने ऑल इंडिया पाकिस्तान मुशायरे भी पढ़े। अच्छा, आई स्टार्टेड डूइंग द पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स एंड ऑल दैट, खुद से कि देखूं तो कि क्या है, अपने आप को डिस्कवर करना चाह रही थी। एग्जैक्टली, फिर मुझे उस वक्त लगा कि हर वो काम जो लड़कियां कर सकती हैं मैं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू नेम इट, लाइक मैं जहाज नहीं उड़ा सकती, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू नेम इट आई कैन डू इट, एवरीथिंग मतलब यू नेम द थिंग एंड आई कैन डू इट, अल्हम्दुलिल्लाह। और कहीं से जाके मैंने नहीं सीखा, मैंने अपनी माँ से सीखा, और उस माँ से जिसने कभी स्कूल नहीं देखा। ठीक है, तो
माएं अपनी बेटियों को बड़े कलेजे से लगा के पालती हैं यार, उनके पास जो कुछ होता है, मुझे मेरा ये दिल है, मुझे जो कुछ आता है वो मैं किसी को सिखा दूं, और खुदा ने मुझे एक ही बेटी दी है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर, माशाल्लाह शी इज अ जेम। अच्छा अब आपकी आई शादी की बारी, रिश्ते आना शुरू हुए, okay. कितने कितने रिश्ते? मैं आई हैव अ नोट, आई हैव अ डायरी, 40 फैमिलीज, 40 नॉट 14, और अल्लाह बख्शे मेरे अब्बी को, वो जब वो रिटायर हो गए तो उनके पास काम और नहीं होते थे, तो वो कहते थे फोन करके नाश्ते के बाद, भाई कोई अच्छा लड़का हो तो बता दीजिएगा, एंड मैं कहती थी दफा करें अच्छे लड़कों का, आपकी बेटी इतनी अच्छी है, वो कहते थे नहीं बेटा मगर लड़का तो चाहिए ना, तुम अकेले कैसे गुजारो। फिर देन कम्स टाइम इन माय लाइफ, जबकि आपको पता है निदा, वो बट्टे सट्टे की शादियां, अदले बदले की शादियां होती है ना, जी जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे चार भाई दिए हैं, ये पांच भाई दिए थे, एक उसमें से गुजर गया, तो मेरी गिनती खराब हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह चार भाई हैं, अल्लाह ने अपनी अपनी जगह पे कायम रखे, सलामती के साथ रखे, तो उनके जैसे भाई भी मैं दुआ करती हूँ खुदा हर एक को दे, हर एक को दे। एग्जैक्टली। अच्छा अब जब आपके 40 जो रिश्ते आए, तो वो आप वैसे जो अम्मी अब्बू भेजते थे कि चलो सामने जाओ बैठो? पहले तो मुझे वो अम्मी जाती थी, आपा की जब शादी हो गई आपा जाती थी, बैठती थी, बातें की, बातें क्या करनी होती थी, अच्छा बुला लीजिए, जैसे दुनिया का हर काम छोड़कर आई है, देर हो रही है, देर हो रही है, कहीं और जाना है, कहीं और जाना, ओके अच्छा कहीं और जाना, मतलब हम संडे बाजार आए हैं, यहाँ नहीं पसंद आया तो वहाँ देख लेंगे, ठीक है आप लकी वन चले जाए, यहाँ वहाँ वहाँ 10 ब्रांड लगे हुए हैं, अब देखो ब्रांड्स भी जो बनते हैं दे गिव देयर बेस्ट, है ना, लेकिन क्या हर ब्रांड की हर चीज आपको पसंद आती नहीं आती ना, यू इवन फ्रॉम द ब्रांडेड शॉप यू सेलेक्ट समथिंग फॉर योर सेल्फ, है ना, तो एक माँ ने कितनी ही अच्छी तरबियत अपनी बेटी की क्यों नहीं की, वो कहीं ना कहीं तो कुछ रहता है ना, मैंने कहा ना कि ये ब्रांडेड प्रिंट्स जो हैं, ये सोचकर बनाए जाते हैं कि एवरी प्रिंट शुड बी वन ऑफ इट्स काइंड, फिर भी लोग रिजेक्ट करते हैं वो प्रिंट, तो वो तो इंसान ने बनाई है ना, अल्लाह की बनाई हुई चीजों को हम रिजेक्ट कर दें, कर दें, और करते हैं लोग, करते हैं, शी इज राइट। ये जो इनके आंसू है ना, ये बहुत सारी माँ और बहुत बेटियों के आंसू हैं। मैं हर बात को हंसकर करने की आदी, ठीक है, मैं कोई भी दुख अपने ऊपर 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेती, वेरी गुड, ठीक है, क्यों लो भाई, देखो एक जिंदगी की एक सबसे अच्छी बात याद कर लो, तुम भी मेरी बेटियों जैसी है, और एक कितनी कमाल की बात है कि जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत और कोई चीज है ही नहीं, हकीकत है ना, उससे भी कमाल की एक बात है कि खूबसूरत तरीन चीज हमें सिर्फ एक बार के लिए मिलती है, है ना, तो उसको हम अपने फुलेस्ट में क्यों नहीं एंजॉय करें, उसके खातिर हम अपने आप को क्यों रोज डैमेज करेंगे। तो ये जो 40 दफा रिश्ते आए, तो वो हर दफा आपको तकलीफ दे के गए, तकलीफ दे के ही जाते थे ना, तकलीफ ही दे के जाते थे, अच्छा हम चलते हैं, हाँ माशाल्लाह ठीक, फिर कोई फोन कॉल नहीं, कोई आना जाना नहीं, तो जाहिर है किसी ने डायरेक्टली ऐसा कहा कि आप बच्ची का वजन ज्यादा है? नहीं नहीं, बहुत बहुत लोग माशाल्लाह, अच्छा हम अगर एक लफ्ज कह देंगे तो वो कहेंगे माशाल्लाह जबान बड़ी लंबी है, अच्छा है ना, और खुद कह के जाएंगे हाँ, नहीं एटीट्यूड बता देता है ना, आपने यूं देखा, अच्छा बेटा क्या पढ़ती हो, अच्छा चले फिर हम लोग, माई गॉड, ठीक है, माई गॉड, दिस सेंस ऑफ रिजेक्शन, और ये हर लड़की के साथ होता है। आपने कभी रिजेक्ट किया है किसी को? ओह यस, यस, आपने किसको रिजेक्ट किया? उस रिजेक्शन के बाद मुझे अम्मी से डांट भी सुननी पड़ी, फ्लाइंग चप्पल्स भी देखनी पड़ी। वो क्या किस्सा है वो? तो अब उसको मैं इतनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं जितनी बार उस किस्से को दोहराती हूँ मुझे एनर्जी मिलती है। हाँ, अच्छा लगता है, एनर्जी दीजिए हमें भी, दीजिए शायद हमें भी मिले। एक बड़ा टॉल सा, अच्छा सा, हैंडसम सा लड़का था, उसके उसे उसकी खाला ने पाला था,
वो खाला के साथ और अपनी अम्मी के साथ, मुझे पता चला कि वो लड़का भी आने वाला। अच्छा बाय द वे, हमारे वक्तों में लड़के नहीं आया करते थे ना, अब माँ बहने ये सब आ गए, तो खाला और अम्मा आ रही हैं, फिर ये पता चला लड़का भी आ रहा है, फिर ये पता चला लड़का ही स्टॉल, मैंने कहा अच्छा हो, फिर मुझे पता चला लड़का इज इन दी एयरफोर्स, मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे पता चला लड़का इज अ पायलट, मैंने कहा ओ ठीक है, तीन हो बाओ हो गए एक साथ। अब ये हुआ कि वो खाला जो आई थी उन्होंने कहा, देखा आई मिली, कहने लगी इट्स डन वहीं बैठ के, तो मैं आई वॉज लाइक इट्स डन वहीं। फिर उन्होंने कहा असल में मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं स्कूल में हेड हूँ तो बार बार नहीं आना जाना कर सकती हूँ, तो यू नो इट वॉज अ ग्लोइंग मूवमेंट फॉर द फैमिली। देन उन्होंने कहा बेटा आप ऐसा काम करो, वाइल वी विल फिक्स द थिंग्स एंड ऑल, आप कोई जिम ज्वाइन कर लो, यू ट्राई टू रिड्यूस सम वेट ना, देन यू टू विल लुक सो गुड टुगेदर। वहीं से अंदर से आवाज आई, नो राहत, नो नो, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम, हैव दिस करेज। और मैंने कहा कि मैं अपनी अम्मी का चेहरा भी देख रही थी, शी वॉज काइंड ऑफ हैप्पी इन साइड, मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा आंटी मैं जिम ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन बाय द टाइम आप एक काम कर लें। कह लिए हाँ हाँ बोलो। मैंने कहा आप अपने लड़के की थोड़ी हाइट कम करवा दें। उन्होंने क्या, मैंने कहा मैं थोड़ा वेट कम कर लेती हूँ, आप थोड़ी हाइट कम करवा दें। और उन्होंने कहा माशाल्लाह जबान बड़ी लंबी है। उन्होंने कहा चलिए भाई हम लोग चलते हैं। और मैंने कहा ठीक है, जब हाइट कम हो फिर मुझे बताइए। और मैंने तब अम्मी का चेहरा तब भी देखा, एंड वो एकदम क्या मतलब, शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ये वाला रिश्ता तब आया था जब वो 40 रिश्ते इन बिटवीन दैट जब आप थोड़ी सी पक भी चुकी थी ना कि बस क्या हो गया। नहीं, और दैट वाज अ चांस फॉर मी टू रिजेक्ट समबडी। अल्लाह ने मुझे देखो अच्छे मौके बार बार तो नहीं देता, अल्लाह उसने मुझे मौका दिया था, मैं क्यों ना रिजेक्ट करूं किसी को। ठीक है, ये सिर्फ अगले सामने वाले का तो हक नहीं है कि भाई मुझे रिजेक्ट करके तुम चले जाओ। मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरा मेरे भी माँ बाप है, मेरा उनके लिए दिल दुखता था, मुझे पता था कि कोई बात नहीं राहत। वो अल्लाह कहता है कि इन अल्लाह मा साबरीन, है ना, अल्लाह सब। देखो शादी कोई अल्टीमेट हल नहीं है लाइफ का, है ना। जिस दिन हम ये बात समझ लेंगे उस दिन हम अपना इनर सेल्फ डिस्कवर करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली, जिंदगी तो एक ही बार मिलती है। बस वो खूब एक छोटा सा वक्फा मैं लूंगी, थैंक यू, लाइव शो में लेना पड़ेगा। और इस वक्फे के बाद फिर मैं आगे आपकी जर्नी शेयर करवाना चाहूंगी आपसे कि माशाल्लाह आज आप इतनी खुश कैसे हैं। क्या हुआ जब वो 40 दफा रिजेक्शन हुई उसके बावजूद भी इतनी कॉन्फिडेंट, बोलने में इतनी अच्छी, और साथ अपनी बेटी को भी कॉन्फिडेंस दे रही है, कैसे, ये पावर कहाँ से आई, जानने के लिए देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तानी। छोटे से वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम किसी से कम नहीं, मैंने खुद ही रख लिया अपने प्रोग्राम का ये नाम, क्योंकि मेरे पास जो गेस्ट हैं आज वो राहत जो हैं वो यही डिस्कस करी कि उनकी जिंदगी कुछ इस तरह गुजरी है, जब तक उन्होंने अपने अंदर ये आवाज़ नहीं दी ना कि मैं किसी से कम नहीं, तब तक शायद वो कामयाब जिंदगी लाइक जो जिस तरह उन्होंने गुजारी है वो नहीं गुजार पाती। राहत ने हमें अभी तक कहानी ये सुनाई है कि इनके 40 दफा रिजेक्शन होने के बाद इन्होंने उन 40 में से एक को खुद रिजेक्ट किया। एग्जैक्ट। और उसके बाद फिर अम्मा की फ्लाइंग चप्पलें भी खाई। फिर आगे कहानी बढ़ी। अब जिंदगी में क्या था कि अब आपको हुआ कि बस अब बहुत हो गया है, इतनी दफा मैं ड्रॉइंग रूम ट्रायल्स में जा चुकी है ना, ये फीलिंग तो आती है ना। फिर थक गई मैं, थक गई। फिर मैंने अपने अब्बी को कह दिया कि बस बस हो गई, अच्छा अब नहीं। हाँ। तो अब्बी ने कहा कि नहीं तुम, ये मेरी जिम्मेदारी है बेटा। हाँ। तुम मुझे इससे नहीं रोक सकती हो। हाँ। ये मेरे मुझ पे फर्ज है ये। हाँ। तो मैंने कह दिया कि बस अब मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद में, वहीं जॉब करूंगा। जैसे आपने नहीं। अब्बी को कहा था वैसे ही बताएं। अच्छे जुमले नहीं है, माँ बाप से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आपके माँ बाप आपसे इतना फ्रेंडली होते हैं, वो आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाते हैं ना, क्या आप उनसे हर तरह की बात कर सकते हैं। दूसरी बात एक ये है कि देयर कम्स अ लेवल ऑफ सैचुरेशन फॉर एवरीथिंग। आप अंदर से कहीं
टूटने लगते हैं ना, हर चीज की एक लिमिट होती है, बस हो जाती है भाई। तो मैंने अपने अब्बी को कहा कि अब्बी प्लीज मेरा ही मुजरा बंद करवा दे। ये कोई आसान जुमले नहीं है बेटा कहना, बहुत मुश्किल बात है। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि आर यू इन योर सेंसेस, तुम मतलब तुम बाप से बात कर रही हो, तुम कैसे बात कर रही हो। मैंने कहा कि आप सोचें ना, आप लोग खुद सोचें, पूरा सिनेरियो जरा ध्यान में लाएं, आप लोग बच्चियां हैं, बच्चियों की माएं भी हैं, जरा सोचिए क्या हो रहा होता है घर के अंदर। घर साफ सुथरा किया जा रहा होता है, चमकाया जा रहा होता है, ठीक है, नाश्ते खाने वाने की तैयारी हो रही होती है, सबसे अच्छे कपड़े चुनकर निकाले जाते हैं, ठीक है, अच्छा तैयार हुआ जाता है, ठीक, माँ भी अच्छे से तैयार होती है, साफ सुथरी लगती है, बेटी को भी अच्छे से तैयार किया जाता है, और घर की जो चीज अल्लाह ना करे अगर कि ये ठीक नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है, ठीक होता है, यही होता है जी, बिल्कुल। उसके बाद लोग आके बैठते हैं और माँ बेचारी अपनी बेटियों के तारीफों के पुल बांधती है, यही होता है। उसके बाद कुछ चाय, नाश्ता पानी, खाना जो कुछ भी है वो सर्व किया जाता है। उसके बाद वो लड़की आती है, हाथ में ट्रे होगी या नहीं होगी, वैसे भी आ जाएगी। फर्क क्या होता है, क्या फर्क है? वो फर्क सिर्फ ये है कि हम वहां खड़े होकर ताथैया नहीं करते, बाकी कोई फर्क नहीं है। निदा, आप हर किसी, कोई लड़की इस चीज से गुजरती है, हम कब बदलेंगे? कभी नहीं। मैं सोचती थी कि शायद वो लोग इतने कल्चर्ड नहीं होते जो हमें देखने आते हैं। मैं आज से 30 साल पुरानी बात कर रही हूं, आज की बात नहीं कर रही, एक चौथाई सदी पुरानी बात कर रही हूं, ठीक है। तो उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं, हम जब इस उम्र को आएंगे तो हम लोग, हम इनफैक्ट अपनी दोस्तों में बैठ के इसको डिस्कस भी करते थे, जाहिर है फ्रेंड्स से आप हर तरह की बात करते हैं ना, कि नहीं जब हमारा टाइम आएगा हम ऐसी माएं नहीं बनेंगे, हम किसी को ये तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज भी मेरी उम्र की माएं भी जब बेटों के लिए लड़कियां देखने जाती हैं, वो भी यही चीजें रिपीट कर रही होती हैं। तो कहां तालीम ने कहां फर्क डाला है, किसको फर्क, किस में फर्क ले आई है तालीम? नहीं लाई ना, वो तो खुदा ने मेरे लिए बेहतरी लिखी थी जिसका मुझे एहसास नहीं था। एक ऐसे आदमी को मेरी जिंदगी में भेजना था अल्लाह ने, जिसने मेरी हर तरह की कमी को पूरा किया। अच्छा, आप बीच में फिर सब मायूस होके हर चीज से आप इस्लामाबाद जॉब करने चली गई? मैं जॉब करने चली गई, फिर तकरीबन 1.5 साल मैं वहां रही, फिर मैं वापस आ गई, फिर मैंने यहाँ के जॉब स्टार्ट कर दी। फिर समहाउ जैसे जॉब में आपको, आप अपने वर्क प्लेस पे होते हैं तो आपकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, मेरी मुलाकात भी अपने हस्बैंड से हुई, एंड हम तकरीबन दो साल हम लोग, कैसे हुई आपकी मुलाकात, आप लोग साथ काम करते थे? हाँ, हमारा वर्क प्लेस सेम था ना, हमारा वर्क प्लेस सेम था। तो बात सिर्फ ये है कि 2 साल में उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा। और कहा अगर तो एक दिन सिर्फ ये, ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करते थे, हम 100 चीजें डिस्कस करते थे, जाहिर आप खामोश तो नहीं रह सकते ना। लेकिन एक दिन जब उन्होंने कहा मुझसे, तो कोई मुझसे ऐश नहीं झाड़ा, कोई मुझसे लंबी चौड़ी बात नहीं की। आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ डेवलप हुई, वो आप मुझे सारी बात बताएं। देखें, वो मैं जाती थी एक स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहाँ वो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते थे, बेसिकली ही वाज अ ट्रांसपोर्टर। अच्छा, ठीक है। हाँ। और उनकी वहाँ गाड़ियां चलती थी और वो खुद भी जाते थे, जाहिर है। हाँ। तो 2 साल वो मुझे, तो वो आपको लाइक गाड़ी में ही मिलते थे? वो सुबह आते थे, हम पौने छह बजे पिक करने आते, वो मुझे सुबह पिक करने आते थे, हम सुबह 6:30 बजे पौने छह बजे मैं गाड़ी में बैठती थी, और मैं चूंकि मोटी इतनी थी तो मैं पीछे नहीं बैठती थी, मैं फ्रंट सीट पे बैठती थी। अच्छा। और फिर मैं 7:45 बजे स्कूल पहुंचती थी। हाँ। तो 2 घंटे आप जिसके साथ जा रहे हैं, 2 घंटे आप वापस आ रहे हैं, आप चुप तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो बातचीत होती है। तो हमने कभी 2 सालों में ऐसी कोई बात नहीं की। जिस दिन उन्होंने 25 दिसंबर से छुट्टियां स्टार्ट थी, 24 दिसंबर को उन्होंने मुझसे कहा, मिसरात आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, स्ट्रेट अवे एक जुमला। मैंने स्ट्रेट अवे उनसे यही कहा कि ऐसे बहुत होते हैं रस्ते चलते हुए शादी करने। अच्छा, आपके और उनके स्टेटस में कोई फर्क था?
नहीं, स्टेटस में कोई, देखो मैं बताऊं, ही बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी नोबल फैमिली. आप मैं अभी जा करके नाम लेती हूँ कि मैं किस खानदान, किस कुनबे, किस घर की बहू हूँ, लोग खड़े हो जाते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है. आप किसी की अच्छाई को उसकी एक नजर की पर्सनालिटी से नहीं जज. उस वक्त क्या थी उनकी पर्सनालिटी जब आप? He was tall, dark and handsome. अच्छा. Yes. He still is tall, dark and handsome. He is such a Janu. I still call him Janu. He still calls me Janu. अच्छा, लेकिन जब उस वक्त उन्होंने आपको प्रपोज किया तो आपने बताया था वो पान खाते थे. तो अभी भी पान खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. मैं खुद पानदान सजा कर उनके लिए रखती हूँ. वो उनका फैमिली कल्चर है, ठीक है. तो फिर आपने क्या किया? एक बात सुनो, पान खाता हुआ लड़का क्यों बुरा है? सिगरेट पीता हुआ, चर्स पीता हुआ लड़का बुरा नहीं है? ये बात. और अगर वो पान खाते हैं तो वो दिखता है कि वो खा रहे हैं. मेरी सास पानदान खोलती थी, अल्लाह बख्शे, पान लगाती थी, फिर कहती थी आले थोड़ा सा तम्बाकू इसमें और डाल दो. इतना शरीफाना मुहज्जब नशा. तो वो पान बनाती थी, इतना खूबसूरत पानदान. तो पानदान में पान मेरी अम्मी भी खाती थी. मगर पानदान को सजा के रखना, पान तरीके से पेश करना, मैंने अपनी सास से सीखा. वो एक लग्जरी है भाई. अच्छा, जब उन्होंने आपको प्रपोज किया उस वक्त तो आपने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया? क्या किया? नहीं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई मैंने बड़े देखे, तो मैं तो उसको जानती हूँ जो मुझे घर से आके ले जाए. जिसके अंदर हिम्मत हो ना, मेरे घर वाले मना करे ना, मुझे छीन के ले जाए. ऐसी हिम्मत होती है? लड़के तो आते हैं कहते हैं मेरी अम्मी मना कर रही हैं. भाई जब तुम्हारे सुनो, मैं नहीं अब बात कर सकता इसलिए मेरी अम्मी मना कर रही है. जानू जानू मेरी अम्मी मना कर रही है. तो भाई जब तुमने जिस दिन उसको जानू कहा था उस दिन अपनी अम्मी से पूछा था? पूछ कर जानू कहना था ना? नहीं कहा. फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का फोन आया. उन्होंने कहा कि मिस्टर आहत, कल मेरी अम्मा आपके घर आएंगी. मैंने कहा क्यों आएंगी, क्यों आएंगी? और जो उन्होंने जवाब दिया, आज तक उनके अल्फाज मैं नहीं भूलती हूँ. उन्होंने कहा मिस्टर आहत, लड़कों की अम्माएं लड़कियों की अम्माओं के घर क्यों जाती हैं? एंड ही वाज सो सो ऑनेस्ट विद हिज वर्ड्स. देखिए गली के हर, आप यहाँ से लेकर के अपने घर तक चले जाइए, दो मिनट के लिए आप खड़े होंगे कहीं पर, आपको मोहब्बत जताने के लिए लोग आ जाएंगे. आ जाएंगे, लेकिन उस मोहब्बत को प्रूफ करने के लिए कोई नहीं आएगा. ठीक है. और निदा जिंदगी में मोहब्बत से भी एक कदम बढ़कर ऊपर एक चीज है, उसका नाम है इज्जत. ठीक है. तो देखिए, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसकी इज्जत भी करें. लेकिन जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे जरूरी नहीं कि आप इज्जत भी करें. लेकिन जिसकी आप इज्जत करते हैं उससे मोहब्बत फाइनली आपको हो ही जाती है ना. अच्छा, तो फिर उनकी अम्मी आपके घर आई? उनकी अम्मी मेरे घर आई. और उन मेरी तीनों नंदे आई माशाल्लाह. क्यों? वो माँ बहने नहीं थी, उनकी आंखें नहीं थी. उनको मैं मोटी नहीं लगी. तो उन्होंने आप, मेरी सास ने आकर मेरे घर कहा मेरी अम्मी से, मेरी बहन से, कि देखो भाई हम राहत को देखने नहीं आए, हम रिश्ता लाए. सोचो, इमेजिन वो फीलिंग. तो सोचो, जिस लड़की को 40 दफा रिजेक्ट किया गया हो, उसके घर एक माँ, एक बेटे की माँ, एक टॉल डार्क एंड हैंडसम बेटे की माँ आकर ये कह रही है कि हम आपकी लड़की देखने नहीं आए, हम रिश्ता लाए क्योंकि मेरा बेटा आपकी बेटी से राजी है. ठीक है. तो ये बात सोचनी चाहिए हमें, हमें सोचनी चाहिए बहसियत लड़की के, बहसियत माँ बाप के, कि हमने किसको इज्जत देनी है. और वो माँ बहुत एजुकेटेड थी? लाइक क्या? देखिए, मेरी माँ एजुकेटेड नहीं थी. मेरी माँ, माई मदर हैज नेवर बीन टू स्कूल, सो इज वाज माई सास. मैं आपको 30 साल पुरानी कहानी सुना रही हूँ. जिस वक्त मेरी माँ की उम्र 50 साल होगी, मेरी सास की उम्र 50 साल होगी, तो आज 70-75 साल पहले आप कम ही लोग मिलेंगे ना जो स्कूल जाते होंगे. बिल्कुल. ठीक है. हाँ. तो अब पिछली वाली खातून आई थी जिन्होंने कहा कि वो तो शी वाज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल. यस. अच्छा, ऐसे कितने ही लोग होंगे. लेकिन बात ये है, बच्चियां बैठी हुई हैं, बेटे एक बात का ध्यान रखो, जिंदगी उससे के साथ गुजारने की सोचो जो आपको इज्जत दे.
ना कि मोहब्बत दे. मोहब्बत तो इंसान एक बिल्ली पालता है उससे हो जाती है. मोहब्बत किस बड़ी चिड़िया का नाम है. इंसान आदी हो जाता है उसको मोहब्बत का नाम देने लगता है. मोहब्बत सिर्फ उसी से हो सकती है जो आपको इज्जत दे. बस जो इज्जत नहीं दे उसके पास से कहीं मोहब्बत नहीं आ सकती. वक्ती वो सिर्फ ड्रामा होता है. सही बात. एक परमानेंट चीज जिसका नाम मोहब्बत है वो सिर्फ इज्जत के बाद ही मिल सकती है. इज्जत से पहले मोहब्बत कभी नहीं मिलती. है ना. फिर आपकी उनसे शादी. फिर मेरी उनसे शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. दिस इज द 25th ईयर. माशाल्लाह. ये सामने एक बेटा है. हाँ. और अच्छा मैं दिखाना चाहती हूँ इनकी पिक्चर्स. ये इनकी शादी की पिक्चर है. ओह गॉड. ये गप्पू गप्पू क्यूट है. ये आपकी शादी की पिक्चर. हाँ चला रहे हम अभी ऑन स्क्रीन. अच्छा शादी से पहले की तस्वीर कोई है ऐसी जिसमें मैं बहुत मोटी थी. हाँ एक चेहरा शायद. ये हस्बैंड है आपके. हाँ देखिए ही स्टॉल डार्क एंड हैंडसम. आप तो पतली लग रही हैं इसमें. तो अभी तो मेरा वेट बहुत कम हो गया है. हाँ हाँ. अब पुरानी तस्वीर अगर आप पुरानी दिखाएं. अगर आप पुरानी ये देखिए. ओ दिस वाज. ये शादी के वक्त आप इतनी मोटी. नहीं ये शादी के कुछ दिनों की बात है जब मैंने कहा अब तो बस छोड़ो अपने आप को. दिस वाज मी एट द वेट ऑफ 140 kgs. And this was me at the weight of 78 kgs. Like जब रिश्ते रिजेक्ट हो रहे थे आपने तब नहीं डाइट की तब. लेकिन जब आपको वो मोहब्बत और प्यार और इज्जत करने वाला मिला तो आप. यही होता है यार. फिर जो आपको इज्जत दे उसके लिए तो आप कुछ भी करते हैं. और उन्होंने मुझसे कभी बाय द वे जिंदगी में अच्छा नहीं कहा. कभी मैंने कहा तुम ऐसे ही अच्छी हो जैसी. ठीक. स्वीट स्वीट. तो बस ये देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं बार बार आज अल्लाह ताला ने मुझे जो इज्जत दी. आपकी सास की भी मैं पिक्चर दिखाना चाहती हूँ क्योंकि इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो मेरी अम्मा है. ये आपकी सास. मेरी अम्मा है. ये अब हयात नहीं है. वरना मैंने इन्हें ना रात को जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी तो मैंने कहा आपकी सास और आपके मियाँ शो पे होने चाहिए थे. और वो मैं अभी सुबह बताया मियाँ कहीं कमिटेड थे नहीं तो हम आपको अपने कहानी के हीरो से भी मिलाते. हाँ. और सास जो है वो 17 इयर्स हो गए उनकी. हाँ. इंतकाल से. हाँ. नहीं अच्छा सास भी और मेरी नंदे भी. हाँ देखो ना हम अपने भाइयों के लिए लड़की देखने जाते हैं हमें परी चाहिए होती है. हाँ. तो क्या वो बहने नहीं थी. हाँ हाँ बिल्कुल. है ना. ये नहीं देखते कि हमारा भाई कैसा है हमारा बेटा कैसा है. मतलब खुद बाद में आ रहे होंगे एक तरबूज पहले जा रहा होगा. ठीक है. ठीक है ना. हाँ. मतलब लाइट अगर अल्लाह ना करे जल ना रही हो तो नजर भी नहीं आएगा. हाँ. ठीक है. लेकिन उसके लिए ओ हो चिट्टी. हाँ. चिट्टियां कलाइयां उसके लिए चाहिए. ठीक. क्यों भाई क्यों दें हम अपनी. हाँ. लड़की तुम्हें क्या लाल लगे हुए. हाँ. क्यों दें. ये नहीं देखते. ये नहीं देखते. बिल्कुल. है ना. हाँ. एक कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है. दुबली पतली लंबी गोरी पढ़ी लिखी किचन में काम भी आए. हाँ. खाना पकाना भी आए. भाई या तो तुम डॉक्टर से शादी कर लो. डॉक्टर को शादी करके घर बैठा देते तो करते ही है. हाँ. अच्छा एक और बात है. सीट भी जाया हो गई. एक और बात है निदा. हाँ. ये टेबल है ना. हाँ. आपने ये ले लिया या आप घर लेके आ गए. ठीक है. अब आप इसकी डस्टिंग ना करो. हाँ. आप इसको पॉलिश ना करो. हाँ. आप इसके ऊपर कुछ और डेकोर ना रखो. हाँ. तो क्या ये कहाँ चला जाएगा. तो ये तो एक बेजान चीज है. इसको भी मेंटेनेंस चाहिए. आप ढूंढ कर चुन कर खूबसूरत लड़की अपने घर ले जाते हैं फिर उसको मेंटेनेंस नहीं देते. वो उसको फिर आप एक चितकबरी भैंस बनाकर छोड़ देते हैं. दिस इज द रीजन शादी के बाद लड़कियों क्यों ऐसी हो जाती हैं. उनको ना पार्लर जाने का टाइम होता है अपनी क्लेंजिंग का टाइम नहीं होता. अपने का टाइम नहीं होता. और फिर भैया कहते हैं यार तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया. तो उसको मेंटेनेंस दो ना. नहीं देते ना. हाँ. कभी उससे तुम कहो बहुत तुम देसी हो मत पार्लर जाओ मत. हाँ. कुछ करो. कभी तुम उससे कहो कि यार शाम को साफ सुथरी रहा करो ना. हाँ. रहा करो. लिपस्टिक थोड़ा सा पाया. हाँ. सोनी लग दी लिपस्टिक पाया अच्छी तरीके. हाँ? से और क्या है ना. नहीं कहते. नहीं कहते. बस उसका काम सिर्फ ये है कि वो घर संभाले वो बच्चे पाले. क्योंकि मशीन ले आए ना. अब आप ले आए एक पढ़ी लिखी लड़की को घर लाकर आपने तो आप वैसे ही लाते ना. वैसे ही लाते. आप नहीं लाए. अब मैं एक बात बताऊं कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी है. मालिक का बड़ा एहसान बड़ा करम. इस पाकिस्तान में जो मेरी बच्चियां अगर वो देख रही हैं
आई लव यू ऑल. 2200 बेटियां हैं मेरी. हाँ. मेरी 2200 से ज्यादा बेटियां हैं. हाँ. ये तो एक है. हाँ. ही इज द चेरी ऑन द टॉप. लेकिन वो भी 2200 मेरी बेटियां हैं और वो 2200 बेटियां मेरी जहां कहीं भी हैं अल्लाह उनको सबको खुश रखे. इतनी इज्जत मैं दुनिया से कभी पा नहीं सकती थी अगर वो एक आदमी जिसका नाम आले रजा है वो मेरे साथ नहीं होता. He never hold me from anything. मैंने कहा आज मुझे खाना नहीं पकाना यार. मैं थक गई हूँ. हाँ. अच्छा कोई बात नहीं मैं बना लूंगा तुम रेस्ट करो. हाँ. फिर मैंने करा. मैंने कहा मुझे कराची में नहीं रहना मुझे एफ्टर बाद जाके स्कूल करना है. उन्होंने कहा सोच लो राहत. मैंने कहा सोच ली. हाँ. चलो. कौन कौन करता है. लोग कहते हैं पागल हो गई क्या. हाँ. अपना मेरा अच्छा भला काम चल रहा है तुम्हारे लिए मैं वहां चला जाऊं. हाँ. होश करो बीबी. यही कहते हैं ना. ठीक हाँ. है. मैंने जब कहा मुझे वापस कराची जाना है उन्होंने कहा चलो. हाँ. अभी भी मैं जिस काम के लिए कहती हूँ ऐसा नहीं है. अब कोई ये ना समझे कि वो जोरू के गुलाम है. नो 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 ही इज वेरी डोमिनेंट अपने कामों के लिए. इज वेरी पर्टिकुलर टाइमिंग्स. बल्कि मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि सुनिए बाबू आप घड़ी की एक सुई पे बैठ जाएं एक पे मुझे बिठा दें. बस यही बाकी रह गया. ठीक है. लेकिन देखिए मोहब्बत इज्जत सब कुछ अपनी जगह. लेकिन लाइफ का एक रूटीन होता है. एक लाइफ का जिंदगी गुजारने का एक ढब होता है. अगर आले रजा साहब मेरे साथ नहीं होते तो मैं जिस जिंदगी को जिस तरीके से गुजार रही हूँ मैं वैसे नहीं गुजार सकती. आई वुड हैव बीन अ वेरी ऑर्डिनरी गर्ल अ वेरी ऑर्डिनरी वुमन. अगर आज कहीं पर एक एक कदम भी अगर किसी से आगे हूं तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है. उसमें मेरे पूरे इन लॉज का हाथ है. शादी के बाद मैंने जब अल्लाह ने मुझे बेटी दी मैंने अपनी अम्मा को कहा. मैंने कहा अम्मा बस अब जॉब अब खत्म भाई अब मैं इसे पाल लूंगी. क्योंकि इतनी उम्र में अल्लाह ने दी थी भाई. 31 इयर्स में मेरी शादी हुई थी. हाँ. तो अम्मा ने कहा क्यों दुल्हन हमें क्या अल्लाह ने हाथ पांव नहीं दिए. हाँ. हम पाल देंगे. तुमने पढ़ा लिखा इस दिन के लिए तुम उसको जाया कर दो. नहीं हम पाल के देंगे बेटा तुम्हें. ऐसे ऐसे हम लोग अपनी सासों की गलत बातों को याद रखते हैं बार बार कोट करते हैं. मैं क्यों नहीं उनकी अच्छी बात को याद रख. उन्होंने मुझ मेरी नंद ने मेरी सास ने मुझे ये पाल के दिए. ठीक है. मुझे नहीं पता. फिर सब लोगों में बैठकर मेरी सास ने डिक्लेयर किया कहा फैमिली में बैठकर कि उसी खानदान की तो वो भी बहू थी ना निंदा. उन्होंने कहा देखो भाई आज एक बात हम तुम लोगों से कह रहे मुतवज्जा करके कहा कि हमारे इस खानदान में आज तक ऐसी बहू नहीं पिछले 100 सालों में ऐसी बहू नहीं आई जैसी राहत आई है. ठीक है. और उसके साथ एक और भी बात कही खानदान के लड़के भी बैठे हुए थे मेरा देवर भी था और भी लोग थे. उन्होंने कहा यह भी याद रखो कि आइंदा 100 सालों में ऐसी बहू आएगी भी नहीं. तो मैं वो याद ना रखूं है ना. तो अगर आपने मुझे ब्रेक पे ये बताया कि अब आपने सारे जितने भी खानदान के लड़के उनको बोल दिया मैं लड़की देखने नहीं जाऊं. मैं कभी आज तक इट्स अ रिकॉर्ड मैं कभी आज तक लड़की देखने नहीं गई. नहीं. अपने बेटे की तो देखने जाएंगे. नहीं देखने जाऊंगी. उसको मैंने कह दिया है. हाँ. He is in the university now. हाँ. तो इससे छोटा है. मैंने उसको कह दिया कि बस मुझे इस काम पे मत डालना. मुझे बता देना ये वाली चाहिए. मैं अपना सर उनके पैरों में डाल करके तुम्हारे लिए लाने की 100% कोशिश करूंगी. लेकिन मुझे ये मत कहना कि अम्मा जाके देखाए अम्मा जाके ढूंढ आए. नहीं करूंगी मैं ये कभी. क्योंकि आई हैड दिस फीलिंग ना. मुझे पता है कि उस वक्त लड़की को क्या महसूस हो रहा होता है. मुझे पता है उस वक्त लड़की की माँ को क्या महसूस हो रहा होता है. मैं नहीं करूंगी ये सब कुछ. और मैं चाहती हूँ मेरा दिल चाहता है कि कम से कम मेरे साथ कोई 5 लोग तो ये खड़े होकर कहें कि हाँ भाई हम लड़की देखने नहीं जाएंगे. मैं भी मैं आपके साथ खड़ी हूँ. थैंक यू निंदा. मैं आज भी ऐलान करूँ मैं भी लड़की देखने. थैंक यू सो नाइस. मैं आपके साथ दूसरी हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह जीती रहो खुश इंशाल्लाह. अल्लाह तुम्हें नेकियां नसीब करे और तुम्हारे बेटों से तुम्हें बहुत खुशियां दे. आमीन आमीन. एक छोटा सा वक्फा. वक्फे के बाद हम किसी से कम नहीं. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.
आज के शो का नाम मैंने खुद ही ऐसे ना बैठे बिठाए रख दिया, हम किसी से कम नहीं। और यहाँ हमारे पैनल को अभी अभी ज्वाइन इन किया है डॉक्टर इमरान ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अब डॉक्टर इमरान जो है यहाँ हल बताने आए हैं चीजों का कि क्या करना चाहिए उस वक्त जब रिजेक्शन होती है एक लड़की की, उसकी पूरी फैमिली पे असर पड़ता है, और एक बार नहीं बार बार जब रिजेक्शन होती है तो उस वक्त उस फैमिली को किस तरह खड़े होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप रिश्ते रिजेक्ट ना करें, या हम एक्चुअली आप ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपके ऊपर ये पहाड़ टूटते हैं या आप तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो फिर उस वक्त आप कैसे खड़े हो। और साथ हमने तो रिजेक्ट करने वाली बात ही नहीं की, हमने तो कह दिया है जाओ बच्चों तुम खुद पसंद कर लो, हम रिश्ता लेके जाएंगे। तो हम दो लोग तो यहाँ हो गए ऐसे ना, ये अपने बेटे के साथ रिश्ता देखने लड़कियां देखने गाय बकरी देखने जाएंगी इस तरह गाय बकरी की तरह, ना मैं, तो हम दो लोग हो गए। मुझे फोन करके बताइए क्या आप भी हमारे साथ हैं इस मिशन में। एग्जैक्ट हाँ डॉक्टर साहब, आप अपने बेटे का रिश्ता देखने जाएंगे या क्या? अच्छी बात ये है कि आप अच्छी तालीम दे रही हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं। ये वाकई दुरुस्त है कि ज़ाहिर है मैं भी एक बेटा बेटी जवान बेटा बेटी का जो है वो वालिद हूँ, तो ये दुख की बात है कि अगर आप किसी अशिया की तरह भेड़ बकरी की तरह अगर आप जो है वो तलाश करें, लेकिन एक हकीकत पसंदी भी है ना, हम लोग एक मिक्सचर हैं। हम दीन का नाम लेते हैं लेकिन दीन से बहुत दूर हैं, दीन के उसूलों से बहुत दूर हैं। हाँ। हमारा दीन जो है वो जाहिर है माइग्रेट करके अरब से आया, तो अरब के बहुत सारे कल्चर्स थे जो हावी थे हमारे दीन के उसूलों के ऊपर, इसीलिए हमारे दीन ने उसूल सिखाए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब साथी का इंतखाब करो तो कुछ मेयार होते हैं। अच्छा। एक मेयार खूबसूरती होता है। हाँ। एक मेयार हसब नसब होता है, स्टेटस जिसको कहते हैं। एक मेयार मालो दौलत होता है और एक मेयार किरदार होता है, और ये सब चूज किए जा सकते हैं, ये सब चूज किए जा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। सही। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम किरदार को तरजीह दिया करो। हाँ। क्योंकि किरदार ये वही चीज है जो दायमी है। हाँ। बाकी चीजें दायमी नहीं है। जाहिर खूबसूरती दो बच्चों की माँ की खूबसूरती और गैर शादीशुदा की खूबसूरती का मेयार अलग अलग होगा। माल और दौलत आता जाता रहता है और हसब नसब आता जाता रहता है। किरदार एक ऐसी चीज है कि जो कि दायमी रहती है। किरदार में क्या चीजें देखते हैं? किरदार के अंदर देखते हैं कि सामने वाला जो जीवन साथी है वो हमदर्दी रखता है। हाँ। वो इज्जत करता है, इज्जत करवाता है, दोनों चीजें हैं, इज्जत करता है, इज्जत करवाता है। हाँ। हमदर्दी रखता है, नरम रवैया रखता है, अपने से छोटों से बातचीत किस तरह करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने नफ्सियात के अंदर सीखी है किरदार के अंदर, कि हम ये मालो दौलत के बजाय हम समझते हैं कि क्या एहसासात को कैसे खर्च करता है, क्या एहसासात का सखी है, यानी एहसासात का सखी कौन होता है जो अपने जज्बात को अपने एहसासात को सामने वाले के लिए देने के लिए तैयार है। क्या सामने वाले के आंसू के लिए अपने आंसू बहाने के लिए तैयार है? क्या सामने वाले की हमदर्दी अपना कांधा अपना हाथ अपना वक्त देने के लिए तैयार है? वो बच्चियों को मैं समझा रहा हूँ बेटा, वो जो रात को 3 बजे भाग के दीवार कूद के बर्गर लेके आता है वो एहसासात और जज्बात नहीं है, वो हविस परिस्थिति होती है। यकीन माने जो आदमी गैर इखलाक के तरीके कैसे गैर वक्त के ऊपर आपको ताल्लुक कायम कर रहा है, यकीन माने वो अच्छा शौहर नहीं है, वो अच्छा शौहर नहीं है मेरी बच्ची, वो अच्छा शौहर नहीं है। ये चीजें आप जो है वो समझो कि ये जो मोहब्बत लव केयर ये अलग अलग चीजें हैं, कि ये मोहब्बत का नाम नहीं है कि उसने जान की बाजी जो है वो लगा दी और एक व्हील के ऊपर मोटरसाइकिल भगा के ले आए। ये हिमाकत है, ये लॉन्ग लाइफ नहीं है। तो हुआ क्या कि हम उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारा अलमिया ये हुआ कि हम किसी दूसरे मुल्क में थे। हाँ। फिर हम 70 साल बाद आजाद हो गए। बहुत सारी चीजें वहां की जो उनके लिए हो सकता है कि सही हो लेकिन हमारे लिए मायूब है और हमारे दीन के भी खिलाफ है। तो ये जो मिक्सचर हमारा बना है ना, इस मिक्सचर ने हमें इतना कंफ्यूज कर दिया कि हम बहुत सारी बातें स्ट्रेट हम चाहें भी ना, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपसे ब्रेक में ये कह रहा था, मेरी सारी इन बच्चियों और 1 करोड़ों लोग जो देख रहे होंगे उनका सिर्फ एक ही सवाल होगा, ये आले रजा मिलता कहाँ है? ये होगा, ये मिलता कहाँ है? तो मेरा पॉइंट ये है, आपकी बात काट रही हूँ, आले रजा के लिए राहत भी बनना पड़ता है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल ये होता है कि कुछ हमारे के ऊपर, जब ये एक बाप है ना उसको बेटी का घर बसाना है, एक माँ है ना उसको बेटी का घर बसाना है, बहुत अच्छी बात है कि आप बोल दें, लेकिन आपको बहुत अच्छी पता है कि बाज़दफा खामोशी घर बसाती है, कि बाज़दफा अगर आप सिर्फ अपने हक का इजहार करते रहे तो हक जीत जाता है, घर उजड़ जाता है। तो घर उजड़ता नहीं है ना, हम उस तरफ जो है वो जाएं कि हमारे माशरे में क्या चीज हो सकती है। हमारा माशरा कोई फलाही इस्लामी कानूनी माशरा नहीं है,
मैं अपनी बेटी को थाने नहीं भेज सकता, मैं अपनी बेटी को अदालत नहीं भेज सकता, मैं अपनी बेटी के मोहल्ले वालों को बुला के डिस्कस नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली अपनी बेटी को घर में समझानी होती है कि बेटा घर आबाद करना होगा, बच्चे हैं, माँ है, उनके लिए घर आबाद तब की बात आएगी ना जब रिश्ते की रिजेक्शन। पहली जो गलती हो रही है, बात कर रहे हैं रिश्तों की रिजेक्शन, जब रिश्ता रिजेक्ट होता है तो उस वक्त जो जिस ट्रॉमा से बार बार रिजेक्शन हो रही है और फिर सही वो वाला रिश्ता नहीं मिल रहा होता, फोन पे ही बना कर दिया जाता है, उस वक्त माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए उनको? देखिए रिजेक्शन का जो एक तो सबसे पहले तो औलाद बालिग है और वो दुनिया के कानून और आखिरत के कानून में अपना फैसला करने का हक रखती है। ठीक है, माँ बाप की ख्वाहिश एक अलग चीज है लेकिन उनका कानून एक अलग चीज है, उनका इख्तियार अलग चीज है। ये जो तरीका कार है ना घर पहुंचाने का, पहली दफा देखने का, ये सबसे बड़ी गलती है जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि बालिग लड़की को और बालिग लड़के को पहले ही अपने वालदैन को एहतराम के साथ ही कह देना चाहिए कि जी घर ना बुलाए, खुदारा अभी घर ना बुलाए, आप उनको किसी एक जगह मिले, कहीं भी एक जगह मिले, किसी कॉमन जगह मिले और वहां पे बैठ के पूरा बताइए कि जी हमारी बच्ची ये पढ़ती है, ये करती है, ये आदत है, ये उसका होलिया है, ये है, सब बता दें। और आप सामने वाले से पूछे कि जी आप अपने बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह चाहते हैं। अगर वो 90% मैच करता है खुदारा घर में बुलाइए, अगर वो 30% भी मैच नहीं करता उनको वही समोसे खिला के भेज दीजिए। वरना अगर कहीं कहीं और मुलाकात नहीं करें फोन कॉल पे पूछ लें। जैसे एक आंटी होती है रिश्ता कराने वाली आंटी, तो उनको भी ये बता दी, उनको ये बताई जाती है चीजें कि हमारी बेटी ये करती है, ये है फलाना ढमाका ये, और फिर वो लड़के वाले भी बताते हैं हमारा बेटा ये करता है, हमारे बेटे की शौक ये है, ये जॉब है फलाना। तो वो रिश्ता कराने वाली आंटी जो है जी, कैन आई ऐड? यस, श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। देखिए मैं अपने वक्त की बात कर रही हूँ। आए लड़की देखा नहीं पसंद आई, घर से कह दिया हम इस्तखारा करवा के बताएंगे। रिजेक्शन का एक ये भी तरीका है कि आप अल्लाह के ऊपर बात डाल देते हैं, इस्तखारा सही नहीं आया। ठीक है, अब मैं लोगों को कहती हूँ, अपनी मेरी इतनी सारी स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां रोती हैं, बच्चियां बेचारी मैडम आए थे मना करके चले गए, इस्तखारा देखे ना मैडम सही नहीं आया। मैं सिर्फ अब ये कहती हूँ, आप जब अपने बच्चों का रिश्ता करने खड़े हो, भाई ये नाम है, ये वालदा का नाम है, ये वालिद का नाम है, इस्तखारा पहले करवा लीजिए, अगर करवाना है, इस्तखारे पे इत्तेकाद है, पहले करवा लीजिए, इस्तखारा मुनासिब हो तो घर आइए वरना जहमत ना कीजिए, पहले ही ये कर लीजिए। खुदा का नाम लेकर लड़कियों को मत रिजेक्ट कीजिए, ये बदतरीन अमल है जो हम करते हैं। अब दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था कि फोन के बाद भी घर आने से पहले बाहर मिलना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि बेटा जब तक आप मिलते नहीं है ना, आपको नहीं पता कि जिस वेटर ने कप रखा है उसका शुक्रिया करता है या नहीं करता। अपने से छोटे से कैसे बात करता है, ये की पॉइंट है बंदे को चेक करने का, की पॉइंट। अच्छा, लेकिन इसलिए पहले लड़के वाले जब घर आते हैं ना तो वो लड़की नहीं देखने आ रहे होते, वो देखने आ रहे होते हैं किस मोहल्ले में रहते हैं, वो देखने आ रहे होते हैं घर कैसा है, फिर वो नाप तोल करते हैं स्टेटस की, अच्छा ओके कितनी कैसी पार्टी है। देखिए वो अगर आप उसको क्यों नहीं बताते पीर कॉलोनी में रहता हूँ, 120 गज का घर है, या मैं किराए के ऊपर रहता हूँ, ये मेरी आमदनी है, ये मेरी बच्ची पढ़ती अच्छा, है। मैंने सारी क्योंकि अगर आप ये सारी जिंदगी मैंने देखा है कि वहीं रहते हैं, बच्चियां बड़ी हो रही है ना तो चलो जरा अच्छा मोहल्ले में शिफ्ट कर लो, क्यों रिश्ते नहीं आएंगे। दूसरी बात यह कि अगर आप दूसरी जगह के रिश्ते मैच भी करेंगे ना, बात सारी ये नहीं है कि बेटी को उतारना है, आप ये बताएं कि इसने आगे बसना कैसे, मोहल्ले का फर्नीचर मंगा के, मोहल्ले के बर्तन मंगा के आप अच्छा खिला तो देते हैं, शादी के बाद क्या होगा, उसके बाद जब वो जो सारी जिंदगी वो ताने सुनेगी, वो कहेगी आपने तो धोखा दिया हमें, अच्छा वाकई धोखा दिया ना, इसमें धोखा ही तो दिया। मेरे सामने सॉरी एक कॉलर है मेरे साथ, लुबना है लाहौर से। जी सलाम अलैकुम लुबना, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग बेटा, और राहत की बातें सुन के मुझे इस कदर खुशी हुई, मुझे लग रहा था कि जो मेरे दिल की बातें शायद वो राहत ने कर दी। बहुत शुक्रिया। और इमरान भाई उससे उस दिन भी मेरी बात हुई है, शायद वो पहचान गए होंगे बच्चियों की तस्वीरों के हवाले से। और आप यकीन करें जिस दिन लोगों में खौफ खुदा आ जाएगा कि ये रंग खत नस्ल ये हमारी बनाई हुई नहीं है। आप क्या इसी चीज से गुजर रही हैं लुबना? मैं गुजर चुकी तीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छे से वो हो गई, लेकिन अब मैं गुजर रही हूँ। पढ़ी लिखी है तो नौकरी क्यों नहीं करती? आपकी बेटियों की बात कर रही हैं आप?
जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह चार बेटी हैं और तीन मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छे में उसमें गई हैं। लेकिन मेरे अलावा भी मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुझे बताती हैं कि लुबना लोग खत पे करके चले जाते हैं, लोग रंग पे करके जाते, नौकरी करती है तो नौकरी क्यों करती है, नहीं करती तो क्यों नहीं करती, आपका अपना घर है, आप किराए के घर में रहते हैं। इतनी निदा आप सोच है आपकी कि माएं डिप्रेशन में चली गई हैं। मैं अपनी नहीं, मैं बहुत सी माओं की बात कर रही हूं, क्योंकि मेरी माशाल्लाह चार बेटी अल्हम्दुलिल्लाह तीन दामाद और उनके घर वाले बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा अगली भी जाएगी। मैं यही कहती हूँ निदा कि ना ये रंग मेरा बनाया है ना ये खत मेरा बनाया है, कोई चीज मेरी बनाई भी नहीं, ये तो खुदा की क्रिएशन में नुक्स निकाल रहे हैं बिल्कुल। तो फिर मैं मतलब किस पढ़ी लिखी क्यों नहीं है, लड़की को पढ़ाओ नहीं तो लड़की पढ़ी क्यों लिखी नहीं है, ज्यादा पढ़ लिया तो नौकरी क्यों नहीं कर रही, वो खुदा के बंदो किसी जगह तो ठहर जाए आप, किस जगह ठहरेंगे। मैं इमरान भाई से उस दिन यही कह रही थी कि ये रिश्ते वालियों ने तस्वीरें भेज 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 के, मैंने तो अल्लाह से वादा कर लिया या अल्लाह मैं कोई तस्वीर अपनी बेटी की कभी नहीं भेजूंगी, बेटे तो है ही नहीं निदा, तो मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकती कि मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास को अल्लाह जन्नत नसीब करे, पांच बेटों की उन्होंने शादियां की और आप यकीन करें कि उन्होंने इस तरह के काम ही नहीं किए कि वो टेबलें सजे हुए नाश्ते के, उन्होंने कहा मैं नाश्ता करने नहीं जाऊंगी, मुझे बता देना मैं वो करके आ जाऊंगी, अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे देवरों ने और ना मेरे मियां ने मुझसे कहा। कितनी प्यारी बात कही ना, देखिए हम मैं ये कह रहा हूँ कि जो दीन इस बात की इजाजत ना देता हो कि लड़की के घर के अंदर निकाह का खाना खाया जाए, आप सोचें मेरे दीन इस बात की इजाजत ना देता हो कि इतना बोझ भी लड़की पे नहीं डाला जा सकता, इतना बोझ भी लड़की के माँ बाप पे नहीं डाला जा सकता कि निकाह वाले दिन उसके घर में जो है उसके लिए इंतजाम किया जाए, वो ये कैसे इजाजत दे सकता है कि आप लड़कियों की शॉपिंग करने के लिए इनके घर में जो है वो खाने का। जब आप दूर हो जाएंगे ना तो फिर इसी तरह के जो है वो हमारे साथ फसादात, मैं तो उनको फसादात कहूंगा, और हकीकत माने वाकई बच्चियां बहुत परेशान हैं, बच्चियों के माँ बहुत परेशान। मैं आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि वाकई हम जो भी हमारा रंग है या हमारा कद है लेकिन ये हम नहीं बदल सकते, लेकिन सलीका एक ऐसी चीज है, सलीका एक ऐसी चीज है जो आप सीख सकते हैं, और यकीन माने ये सलीका बहुत कुछ जीत जाता है। हमने ये बात देखी है कि आपके पहले आपने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया था, मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है कि आप लोगों को आसानियां बताते हैं, बहुत महंगी महंगी चीजें नहीं बताते, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत छोटी सी चीजों के अंदर आप बहुत खुश लिबास बन सकते हैं, बहुत छोटी सी चीजों के अंदर आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं ताकि आप एक प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, जीनत हक है इंसान का, तो ये बहुत महंगा नहीं है। लेकिन आपके घर के अंदर यकीन माने जो आंख परख वाले लोग होते हैं ना वो घर देख के ये समझ जाते हैं कि इस घर में सलीका है, क्योंकि बहुत सारी महंगी चीजों का मतलब सलीका नहीं होता, राइट, बहुत सारी चीजों का नहीं होता। तो अगर आप ये अपने बच्चों को चाहे वो लड़का हो या लड़की हो सलीका अगर सिखाना शुरू कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी उनके लिए आसान हो जाती है और ये जो मसनू चीजें हैं इससे वो काफी दूर जो है रह सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम दोबारा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने आज यहाँ राहत को बुलाया, राहत ने अपनी कहानी हमसे शेयर की, एक्चुअली हमारे शो की आज रोल मॉडल यही हैं और बहुत सारे और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपनी कहानी हमसे शेयर करेंगे, देखते हैं इन दी एंड प्रोग्राम की कंक्लूजन क्या निकलती है। वैसे तय तो मैं यही करके आई हूँ आज कि मैं सारी लड़कियों को यही कहूँगी कि हम किसी से कम नहीं, अगर उनमें ये चीज़ आ जाए ना तो शायद उनके अम्मा अब्बा की परेशानियाँ थोड़ी सी कम हो सकती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब दो सवाल मेरे दिमाग में है, इससे पहले कि वो इधर उधर हो मैं चाह रही हूँ कि वो सवाल मैं थ्रो कर दूँ। एक सवाल ये है जो मैंने पहले भी पूछा था, राहत में ये सवाल आपसे पूछूंगी कि जब लड़की की रिजेक्शंस हो रही होती हैं रिश्ते की तो एक बहुत डिस्टर्बेंस होती है घर में, बिल्कुल माँ बाप ये सब लोग बहुत टेंस्ड होते हैं, उस वक्त क्या करना चाहिए, ये मैंने आप दोनों से सवाल किया था, मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगी। देखिए ये तो एक टाइम ऐसा होता है ना कि इंसान उम्मीद लगाए हुए होता है, ठीक है, उम्मीद किसी भी चीज की जब वो टूटती है तकलीफ तो होती है, बिल्कुल ठीक है ना। तो सबसे तो जरूरी है कि इंसान अपने आप को कंपोज रखे कि कोई बात नहीं। दूसरी एक बात ये है कि आपकी फैमिली कंपोज रहे, एक दूसरे को टाइम दे। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब कभी ऐसा कोई वक्त आता है तो एक कोने में अम्मी कहीं चली जाती हैं, एक कोने में अब्बू कहीं चले जाएंगे, भाई बहन एक दूसरे से मुंह फेरे हुए होंगे, सन्नाटा सा होगा, घर का माहौल होगा, यही मैं कह रही हूँ कि एक उम्मीद टूटती है ना इंसान की। तो
उस उम्मीद के टूटने के वक्त में एक दूसरे का सहारा बने, यानी कि घर का कोई एक ऐसा फर्द है जो सबको इकट्ठे रखे, इकट्ठे खाना खाए या कहीं बाहर निकल जाए या कुछ ऐसी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ऐसे ही कीजिए कि हाँ। थोड़ा सा रूटीन चेंज कीजिए, कोई बात नहीं फोन आया चलो मिलके कहीं चलते हैं, किसी के घर विजिट करने के लिए चले जाएं, कहीं बाहर खाना खाने के लिए नहीं तो आज कुछ अच्छा सा पकाएंगे, बिरयानी पका लेंगे। अच्छा दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमने देखा, क्राइटेरिया बना दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल रिश्ता वाली आई है देखने के लिए, अच्छा लड़की की एज जो है ना भाई वो मुझे यंग चाहिए, 19 की हो, 18 की हो, 16 की हो, ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं। खूबसूरत जिसमें हर लड़की प्यारी लग रही होती है यंग, अच्छा फिर उसके बाद थोड़ी सी 25 तक पहुंच गई लड़की, भाई पढ़ रही थी डॉक्टर बनना था उसने, 25 तक गई, अच्छा ओहो उम्र तो अब ज्यादा हो गई है तो चलो चलो देखते हैं रिश्ता, थोड़ा सा मेच्योर थोड़ी सी बड़ी उम्र का चलेगा वो मिल जाएगा। फिर अब आ गई एज लड़की की, एज 30 साल हो गई है, रिजेक्शन हो चुकी है बहुत दफा, अब 30 साल हो गई है, अब तो बहुत लेट हो गई, अब तो दूसरी शादी वाला मिलेगा, लाइक 30 हो गई है लड़की की एज, अब तो दूसरी शादी वाला मिलेगा, फिर थोड़ी सी और बड़ी हो गई है बच्चों वाला मिलेगा, उनको एक्चुअली उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया है तो उनको उनके बच्चे हैं 3-4 वो संभालने के लिए उनको चाहिए, लाइक 35 भी अगर हो गई है। तो ये क्राइटेरिया सोसाइटी के कौन डिसाइड करता है, ये जो रिश्ता कराने वाली है वो करती है। देखिए आप ये अच्छा मैं तवाजुन वाला आदमी और बड़ा हकीकत पसंद आदमी, मैं अपने प्रोग्राम में बड़ा कहता हूँ कि मैं कोई बहुत पॉजिटिव आदमी भी नहीं हूँ और मैं बहुत पैसिमिस्टिक आदमी भी नहीं हूँ कि मैं इतना मनफी हूँ और मैं कोई खुशगुमानी वाला भी आदमी नहीं हूँ, मैं हकीकत पसंद आदमी, जहर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है कि हकीकत क्या होती है, नफ्सियात मेरा शोबा है। ये छानबीन दोनों तरफ से भी होती है कि ये जो मुस्तकिल आप छानते रहते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, अभी रमजान आएगा ना, चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, फिर भी लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे ना। इसका मतलब ये है कि जब आपकी डिमांड और सप्लाई आउट हो जाए, जब आपको मालूम है कि इस वक्त तादाद के हिसाब से भी लड़के कम हैं और लड़कियां ज्यादा हैं, तो अगर लड़की का मेयार ऊपर भी है, लड़की पढ़ी लिखी भी है, खूबसूरत भी है, अच्छे घर की भी है, अगर उसको मैच करने के लिए तो कोई नहीं मिल रहा, तो उसका मतलब वो उसको अपना मेयार थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये हो नहीं पाएगा ना। अगर वो हो नहीं पाएगा, डॉक्टर को डॉक्टर बंदा नहीं मिलेगा, वो शादी कर चुका है तो अब जाहिर है उसको अगर वो इंजीनियर मिल गया या मैकेनिक मिल गया तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना। ये मेयार हमने जो है तब्दील किए। फिर ये जो रिश्ते वालियां हैं, झूठ का पलंदा, यानी जो आपको खुद कह रही है आप गलत बता दीजिएगा उसको, तो वैसे ही किक आउट कर दें। आपको जो कह रही है, देखें उनको कुछ झूठ बोल के लाई है, आपसे झूठ बुलवा रही है, झूठ की बुनियाद के ऊपर आगे बच्ची को बहुत परेशानियां होती हैं, तो लिहाजा ये झूठ की बुनियाद के ऊपर इन चीजों को जो है वो ना बढ़ाए, झूठ की बुनियाद से बचेंगे तो ये जो दोनों तरफ की जो छानबीन है ना, आज यकीन माने कि बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, 15 दिन में आगे है तो फौरन जो है वो कर दे, नहीं तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, उसको तो निकल ही जाना चाहिए, उस बंदे को ही निकल जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपको 4 महीने तक इतना भी नहीं करना चाहिए कि अच्छा ये भी देखें, अच्छा वो भी देखें, अच्छा उसका किरदार का पूछें, उसको वो पूछें, दोनों तरह की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरे जो मैंने आपसे सवाल किया उसी की प्रैक्टिकल मिसाल मेरे सामने यहाँ बैठी है। वैसे बेटा एक क्विकली एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो अभी आपने कहा था ना कि जब रिजेक्शन हो जाए तो क्या करें, ये कोई आपने कहा कि कोई एक बड़ा जो है वो होना चाहिए, ये बदलता रहता है रोल, किसी दिन माँ डाउन हो जाती है, किसी दिन बाप डाउन हो जाता है, किसी दिन भाई डाउन हो जाता है। मेरे बड़ी मैंने कहा ना सलीका और समझ है, एक बच्ची है मेरी, स्टूडेंट है मेरी, बेटी है, उसके घर के अंदर 2-3 बार ऐसा हुआ तो वो डाउन हो जाती तो वो अपने घर वालों को सहारा दे देती, लेकिन फिर क्या हुआ एक दिन मेरे पास आई और फूट फूट के रोने लगी, कहती वो मेरे घर वाले कह रहे तेरा रिश्ता क्यों नहीं आता, कहती सर मुझे बताइए कि मैं पकड़ के लाऊं मैं क्या करूं, आप समझ रहे हैं, यानी उसका भी एक थ्रेशोल्ड होता है, यानी जो एक दिन सहारा दे रही होती है माँ एक दिन वो भी गिर जाती है, उस दिन भाई को आना चाहिए, उस दिन बाप को होना चाहिए, तो ये जब आप साथ होते हैं तो ये रोल बदलते रहते हैं, किसी दिन आपके बच्चे आपको बूस्टअप करते हैं, ऐसे ही है ना, मम्मा क्यों रो रही है, बच्चे आपको बूस्टअप करते हैं, किसी दिन आप बूस्ट करते हैं, जब आप साथ हो एक दूसरे के तो इस तरह बांट लेते हैं ना। मैंने आपको कहा जो जज्बात और एहसासात का खर्चीला होता है वो अच्छा इंसान होता है, वो उसके अंदर जो जो है खील होता है बहुत वो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आप इनकी बात करें। एक कॉलर हमारे पास आ गए हैं जी, कौन? आमना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी है निदा? बिल्कुल ठीक जी। आमना क्या कहेंगी? निदा मैं आपसे आपकी टॉपिक के रिलेटेड अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आमना जी, ये जो आपके बैठे हुए हैं बिल्कुल गेस्ट आई हुई है बिल्कुल इनकी तरह, मेरा 70 के करीब मेरा वेट था शादी से पहले ना। अच्छा, तो तकरीबन 9 साल तकरीबन मैं 18 की थी। अच्छा। तो मेरे रिश्ते
तकरीबन 23 एज हुई मेरी तब शादी हुई है। अब इससे रिलेटेड आप खुद ही हिसाब लगा लें कि इस दौरान इतने रिश्ते हमने देखे हैं, हाँ। तो मेरे वेट की वजह से मुझे रिजेक्ट कर जाते थे, हाँ। और जब भाई भी मुझे जब रिश्ता मुझे देखने आते थे ना, तो मेरे वेट की वजह से मुझे रिजेक्ट करके जाते थे, और भाई मुझे कहता था कि इसका मेरा इसका को तो रिश्ता होना ही नहीं है। भाई आपके मुंह पे कहते थे? जी। आपके सगे भाई? जी आपके सगे भाई? जी जी मेरे सगे भाई मुझे इस तरह कहते। मैं जाकर अंदर इतना रोती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि वेट मेरा ज्यादा है, मैं इतना काम खाती सारा कुछ करती, मेरा वेट नहीं था गिरता, इस कदम अंदर जाकर रोती थी। मेरे भाई कहता था कि मैं तुम्हारा तो रिश्ता होना ही नहीं है। जब मेरा रिश्ता हो गया, उन्होंने मेरी सेकंड मैरिज मेरे हस्बैंड की ना पहले उसकी शादी शुदा है और एक बेटी है उनकी, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने उनसे शादी कर दी। अब मुझे जिस घर की और लड़की हर लड़की ख्वाहिश करती है ना, मेरा वैसा घर है कि मुझे लहदा घर मिला हुआ है, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है। कि मैं छोटे से घर थी तो मुझे अक्सर रिश्ते मुझे इस वजह से रिजेक्ट करके गए कि इन्होंने कुछ देना नहीं है इतना जहेज के लिए। और इसके अलावा मुझे आपको मैं इतना बताऊं कि मेरे हस्बैंड जो अब मेरा सारी लड़की ख्वाहिशें रखती हैं इस घर की, मैं अकेली रहती हूँ घर में, ऐसा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे हस्बैंड हर टाइम मुझे इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि पीछे मेरा भाई वो कहता है कि तुम एक तो कत्ल कर देना, पीछे आने का सोचना भी मत। हेलो जी जी मुझे आवाज आ रही है आपकी? तो मतलब वो मुझे इतना टॉर्चर करते हैं हस्बैंड, मुझे हर टाइम गालियां देना, हर जलील करके रख देते हैं हस्बैंड ने मेरे को, उनको पता है कि मेरा पीछा कायम नहीं है, मुझे इस कदर जलील करते हैं। पेरेंट माँ को बताती हूँ, माँ भी हर दफा मेरे हस्बैंड का साथ देती है, तो जाऊँ तो जाऊँ कि मुझे खुद समझ नहीं आती। मेरे बाप है वो बीमार है बहुत। अब देखें जब ये इस तरह हो तो इससे बेहतर नहीं है शादी से पहले की लाइफ? आपको आवाज आई? आप लोगों ने सुना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उन्होंने एक घर ऐसा देखा जहाँ रिश्ता कर दिया। कभी कभार मैंने मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि माँ बाप अपने बच्चों के रिश्ते नहीं करते, उनको बांटते हैं। जिनकी ज्यादा बेटी होती है, मैंने बाकायदा अपने इर्द गिर्द के लोगों को जिनकी ज्यादा बेटियां, मैंने उनको अपनी बेटियां बांटते हुए देखा है। मतलब लाइक तो पढ़ाया हुआ होगा बेटी को, लेकिन वो ऐसे घराने में शादी कर देंगे बिल्कुल पढ़े लिखे और ना इज्जत देने वाले ना मोहब्बत देने वाले। ठीक है कोई क्राइटेरिया नहीं होता, मगर कम से कम माँ बाप को भी थोड़ी छानबीन करनी चाहिए लड़की के कि क्या शादी नहीं करनी। शादी ही सिर्फ जिंदगी में वो एलिमेंट नहीं है कि हाँ भाई शादी है। एक हमारे यहाँ तो माशरे में यही है ना कि शादी हो गई, खानदान वाले भी फोन करते हैं कि ओ तुम्हारे बेटी का रिश्ता आना शुरू हुए। और मैंने ये भी सुना है, शुक्र है यार लड़कियों की शक्लें अच्छी हैं इनकी आराम से हो जाएगी शादी, मैंने ये भी लोगों को कहते सुना है। हाँ मतलब मैंने अपने इतने करीबी लोगों ने बोला, मैं उनकी शक्लें देख रही थी इनकी लड़कियों की शक्लें मैंने अच्छी बड़ी खूबसूरत लड़कियों को भी हकीकत में खूबसूरत हाँ। लड़कियों को भी बैठे देखा है इसलिए कि फिर वो इतने डिमांडिंग हो जाते हैं ना। अच्छा जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की हाँ। कि ये दोनों तरफ से मामला आते हैं हाँ, हाँ। अगर आपको खुदा ने अपनी मर्जी से हाँ। देखिए हम तो नहीं बनाते ना, वो देता है उसकी हाँ। मेहरबानी है वो, हर लड़की खूबसूरत दुरुस्त है। वो लड़का जो ये कहता है कि जी मेरी आमदनी कम है, मैं मेहनत करूंगा लेकिन हम गुजारा करार जो है वो हो जाएगा, वो उससे कहीं बेहतर है कि जो कह रहा है कि जी मेरे पास हराम की कमाई की गाड़ी और घर। बिल्कुल वो ज्यादा बेहतर लड़का है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी तजर्बा बता रहा हूँ आपको, अपने खानदान के अंदर अपनी, हम लोग बिरादरी देरी बिरादरी वाले, सबसे ज्यादा वकील मैं ही बनता हूँ जो है वो बच्चियों का। मैं कितने रिश्ते, अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्चियां इसलिए घरों के अंदर आबाद हैं कि उनकी माओ ने मेरी ये बात मान ली कि आप इसकी आमदनी पे मत जाओ। ये रिस्क वो अपने साथ लेके आती है। निकाह के बाद जो रिस्क की बरकत होती है उसको आपको पता ही नहीं है। कैलकुलेशन की गेम नहीं है कि 11,000 में कैसे काम करेगा, किराए के घर में कैसे रहेगा, 20,000 में कैसे पालेगा, जब बच्चे होंगे तो स्कूल की फीस कैसे देगा, आगे कैसे बढ़ेगा, ये कैलकुलेशन की गेम नहीं है हाँ। ये रिस्क की बरकत वो है कि अगर बंदा मेहनत करने के लिए तैयार है हाँ। खुदारा उसको चूज कर ले अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार है। अभी मत जाए कि अभी उसके पास वो कितना कमाता है। अभी जिन लड़की का की कॉल आई, एक्चुअली मुझे लगता है उनके घर वालों ने उनको बांटा है, उतारा है उतारते हैं बिल्कुल हाँ, ऐसे उतारा है कि भाई उसकी शादी नहीं हो रही थी, लेट हो रही थी, तो उन्होंने एक बच्चे के बाप से शादी कर दी।
और जब शादी कर दी तो वो खुश नहीं है, अलग कह रही है, वो लड़की ड्रीम करती है ऐसा घर कि मेरा अलग घर हो, कोई ससुराल वाला नहीं, कोई अकेली रहती हूँ. लेकिन फायदा क्या ससुराल वाला हो, क्या हासिल, क्या कर लेता, मियां ही वैसा है, सारा ससुराल उसी में समाया, जालिम ससुराल उसी में समाया. यही बात की ना कि इज्जत सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज. तवाज़ुन ये नहीं है कि या तो एक बात के ऊपर जल्दी से घर आ गई और माँ कह रही जाने नहीं दूंगी, दूसरी तरफ ये है कि वो उसको पैगाम ये दे रहे हैं कि ये मर भी जाएगी तो हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएं. तो आप देखें ना ये जो तवाज़ुन खत्म है ना, ये तवाज़ुन खत्म है अगर ये बच्ची को ये मालूम है. और मैं बताऊं ये शौहर भी सीधा रहता है अगर उसको पता हो कि बच्ची का भाई मजबूत है. वो भाई ने कह दिया यही रहना है, बस वो यही इसी हम नहीं उठाएंगे तुम्हारी. वो शौहर भी सीधा रहता है अगर उसको पता है कि इसके पीछे जो है इसकी बैक है. तो खुदारा अपनी बच्चियों क्यों, अगर आपने उतार भी दिया है जो भी आपके वसाइल और मसाइल है, अपनी बच्चियों पे से ये बैक ना हटाइए. उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी बच्ची जो है ये फालतू नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाए और हम खामोश बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा. आ गया और मैं इनकी कहानी फौरन की तरफ जाएंगे. लेकिन मैं जाने से पहले बात करके जाती हूँ. जी जी सामने को मुझे जल्दी से बताइए एक लफ्ज में, एक सेंटेंस में, जुमले में, सॉरी, कि आप मुझे ये पता है कि आपकी बहनों की शादी हो चुकी है. जी, एक बहन की हुई है. हाँ, एक बहन की जी, उसकी भी सही एज में हुई है, 32 इयर्स में, 32 एज में जी, और अब मैं हूँ तो मेरी 30 हो चुकी है. हाँ. रिश्ते वाले आते हैं लेकिन वो ये लालच के हैं या कुछ भी कहें. हाँ. वो समझते हैं कि वालिद नहीं है, भाई नहीं है, पांच बहनें हैं तो जहेज नहीं दे पाएंगी. अच्छा, या तो इस्तेखारे का बहाना कर देते हैं या सेकंड ये झूठ बोलते हैं कि हमें तो अर्जेंट शादी करनी है. 32 साल की बहन है, उनकी शादी जिस से हुई है वो लाइक पहले से, उनके रिश्ते में भी काफी प्रॉब्लम्स आई थी लेकिन फिर ऐसा हुआ कि किसी जानने वाली फैमिली ने ही मांग लिया तो वो अपने घर में खुश है, अल्लाह का शुक्र. अच्छा, लेकिन अब जब मेरी बारी आई तो वही रिश्ते का और इशू ये है, उनको ये होता है कि अब्बा नहीं है, इनका बाप नहीं है सर पे, तो ये जहेज बहस का मसाइल कौन हल करे जी. और इसीलिए जो है आपके रिश्ते रिजेक्ट होते रहे जी. इसीलिए जी मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद आके आपसे बात करते, ठीक है. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि जब लड़कियों को लड़के वाले रिजेक्ट करके जाते हैं तो फिर वो किस कश्माकश का शिकार होती हैं, वो, उनके पेरेंट्स. और मैंने कोशिश तो की है, कहा तो मैंने ऐसे है कि हम किसी से कम नहीं, लेकिन मुझे पता है, मैं प्रैक्टिकली ये इस बात को मैं इसे डिनाई नहीं करूंगी कि जब लड़की को बार बार रिजेक्ट किया जाएगा तो उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस का लेवल जीरो ही हो जाएगा. और वो अभी तो मैं कह दूंगी हाँ कह दो हम किसी से कम नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको हम किसी से कम नहीं कहने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली ये जानना बहुत जरूरी है. क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है लड़की को क्या करना चाहिए, खुद को मजबूत बनाने पे तवज्जो देनी चाहिए. हाँ, देखिए खुदा ने आप पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी अपनी जात की डाली है. आप खुश रहेंगे तो किसी को खुश रख सकेंगे, आप हेल्दी रहेंगे तो किसी को हेल्दी रख सकेंगे. आपके पास जो होगा वही तो आप दूसरे को देंगे ना. हाँ, ठीक है ना. तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को देखना होगा. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बच्ची के बचपन से कान में डाली जाती है तो शादी होगी तुम्हारी, शादी होगी, बस शादी होगी. ये नहीं बताते भाई तुम पढ़ तो लो, कुछ बन तो जाओ, अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाओ. नहीं देते घर कैसे बनेगा, घर कैसे बनेगा. बात सारी है कि जो ये जो शादी का मामला है ये होश का मामला है, जोश का मामला नहीं है. हाँ. तो जब आपके ऊपर जज्बात तारी होने शुरू हो जाएं, चाहे वो किसी दबाव की वजह से हो रहे हो, कि जी किसी दबाव की वजह से, किसी खौफ की वजह से, किसी जल्दबाजी की वजह से, ये वो फैसले हैं जो कि होश से लेने चाहिए. और होश के फैसले के अंदर मैचिंग बड़ी जरूरी है. ये भी एक बड़ी जो है मुस्तनद रिवायत है कि आप अपना मैच ढूंढें. जैसे अभी मेरी बहन ने जो है ये कहा कि जी जो भी आते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि जी जहेज जो है वो होना चाहिए. अगर नहीं, उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि यहाँ से कुछ मिल पाएगा क्योंकि अब्बू जिंदा नहीं है तो कौन करेगा इनका. तो मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे वो रिश्ते वालियों के जरिए आ रहे हों या किसी भी कहने वाले आ रहे हों, आप उनको आने क्यों दे रहे हैं. हाँ. जब आपको एक मालूम है कि वो जहेज मांगने आ रहे हैं और आपको मालूम है कि मैं जहेज नहीं दे सकती. हाँ. तो उसको समोसे क्यों खिला रहे हैं. हाँ. उसको चाय क्यों पिला रहे हैं ना. हुँ. आप देखें और फिर जाहिर है आपके ऊपर ही तारी होगा. हुँ. देखें जी वो एक फिर रिजेक्ट करके चले गए. मैं ऑपोजिट एक बात कर रहा हूँ. मेरी जेब में 100 रुपए है, मैं किसी महंगे मॉल में जा ही क्यों रहा हूँ और फिर वहां पर निकल के मायूस होकर आ ही क्यों रहा हूँ. इससे अच्छा मैं किसी दूसरी जगह जाऊँ जहाँ पे 100 रुपए की चीज मिलती है. इस चीज की फिर हम कंक्लूजन क्या निकालें कि लाइक बेटियों को क्या हम अभी से यही कहना शुरू कर दें बस उनको हम तैयार करें, जो उनकी परवरिश करें, जो उनकी तरबियत करें, क्योंकि कल हमने उनकी शादी करनी है.
क्या हम इस तरह कर देखिए हर हाल में बेटी को तो ये समझाना है कि बेटा तू मुस्तकबिल की माँ है और तुझे घर बनाना है, ये बात तो पहले दिन से सिखाना ही सिखाना है। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है तालीम, तरबियत, शऊर, सलीका। ये वो चीजें हैं जो अपने आप उनको सिखाते हैं कि बेटा घर इस तरह बनता है, बात करने का तरीका ये होता है, नरम बात करते हैं तो सामने वाले का गुस्सा कम हो जाता है। ये वो चीजें आपको जरूर बताएंगे। दूसरी कंक्लूजन की आप मैं एक और एक जो है वो पॉइंट सिर्फ वो ऐड कर दूं कि एक बड़ी गलत फहमियां जो शादियां नहीं बन पाती हैं या टूटती हैं या बाद में इतनी परेशानी होती है, वो जो बिस्तर मर्ग के ऊपर जो माँ है वो अपनी गुजरी हुई बहन की वसीयत आपको दे के जाती है। वसीयत विरासत की होती है, विरासत में माल और दौलत होती है। आम अल्फाज में समझाने का मतलब ये होता है कि एक माँ है, उसने ये कहा कि बेटा तेरी जो खाला थी वो जो दुनिया से चली गई वो मरते हुए मुझे कह गई थी कि बस मेरी बेटी अपने घर ले आई हो। अब वो बेटी अगर इस बेटे का मैच नहीं होता या इन दोनों का मिजाज नहीं मिलता, लेकिन अब वो बेटा परेशान है कि जी अब वो माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। और अच्छा बाज़ दफा वो माँ जो है वो इतनी इमोशनल जज्बात होती है कि डॉक्टर ने कहा वक्त बहुत कम है अभी निकाह कर ले। अब आप अंदाजा करें वो लड़की हो सकता है उसकी कोई और तरजीह हो सकता है उस लड़के का कोई और जहन हो, और अब आपने उस जज्बात के अंदर ये कर दिया, ये समझ के कि ये लागू होगा। ये मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ये लागू विरासत जो है उस पे होता है, जुमला ही होता है शादी के बाद सब सही हो जाएगा। हाँ शादी के बाद कैसे सही होगा ना, ये इख्तियार आपका है। ये अब ये जज्बाती फैसला हो गया ना, तो जज्बात में ये फैसला ना करें और ये समझ लें ये माँ की नाफरमानी नहीं है, माँ की ख्वाहिश है। ये माँ की नाफरमानी नहीं, ख्वाहिश है, क्योंकि जो वसीयत है वो विरासत पर होती है, मालो दौलत की विरासत पर होती है, तरके के ऊपर होती है, जज्बात की कोई वसीयत नहीं होती और ये लड़के पे लागू नहीं है। आप जो है वो इस और माओ को भी ये चाहिए कि इस तरह का जबरदस्ती करके आप वो एक बहन आपकी दुनिया से चली गई है, आप खुद बिस्तर मर्द पर हैं और आप जाने वाली हैं, उन बच्चों की जिंदगी क्यों इस तरह की जाना चाह रही हैं। अच्छा क्या करेगा, हो सकता है वो लड़का अब दूसरी तरफ दिलचस्पी लेगा। एक एक माँ के कहने पर ले आया था, मुझे तो लानी नहीं थी, अब वो लड़की बेचारा अच्छा घर भी दे देगा उसको, उसके बाद सब कुछ दे देगा, तुम्हें माल पैसे चाहिए था, तुम्हें घर चाहिए था, तुम्हारी माँ ने कहा था ले लो, अब क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उस खानदान का क्या होगा। अच्छा अब मैं क्योंकि कंक्लूड करूंगी ये प्रोग्राम का हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो अब ये एक और टॉपिक निकल आएगा कि शादी के बाद की जिंदगी क्या होगी। अभी तो हम रुके हुए वही है ना कि रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं, वो एक और टॉपिक हमारा निकला है क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, तो मैं आपसे पूछूंगी कंक्लूजन क्या है, रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं क्या, हम बच्चियों को यही अभी भी, मैं अपनी बेटी को यही समझाऊं, हाँ भाई सिला तुमने अच्छी सी तुम अपना अपने स्किन का ख्याल रखो, बालों का ख्याल रखो, प्यारी रहो ताकि रिश्ते अच्छी जगह हो जाए, क्या मैं उसके दिमाग में यही डालती रहूं? नहीं, नहीं, मैं क्या करूं अपने सिला के लिए? दोनों चीजें साथ चलेंगी। आप टाइम को नहीं रोक सकते ना, उस बच्ची ने तो अपने टाइम पे बड़ा होना है ना, तो उसकी तालीम तरबियत एक जगह और उसकी शादी की फिक्र एक जगह है, मगर उसकी शादी की फिक्र में उसकी ना तालीम रोकेंगे ना तरबियत। और अगर वक्त पर मुनासिब रिश्ता आपकी अपनी कंपैटिबिलिटी का आता है तो उसकी तालीम के खातिर ये भी नहीं करेंगे कि नहीं जी अभी तो पढ़ रही है अभी नहीं हम करेंगे, ये कभी नहीं करना चाहिए। पढ़ने वाले लोग शादियों के बाद भी पढ़ते हैं, मेरे सामने आंखों के सामने मिसाल है, ठीक है। और सारी पढ़ाई जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा एक अच्छी आला तालीम आपको 24 साल चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उस 24 साल तक आप लड़की की उम्र नहीं रोक के रख सकते क्योंकि लोगों को यंग लड़कियों की तलाश होती है और अच्छी लगती हैं लड़कियां जब उनकी यंग शादी हो, उनके एडजस्टमेंट में भी आसानियां होती हैं, बहुत सारी चीजों की बहुत सारे फायदे हैं यंग एज में शादी के। तो अगर आपकी पढ़ाई आपके करियर मेकिंग के दौरान आपके लिए बेहतर मुनासिब एक अच्छा प्रपोजल जो आपके कंपैटिबल हो, सबसे बड़ी बात कंपैटिबिलिटी है, ये मत देखिए कि हमसे वो 10 हाथ ऊपर हैं या हमसे वो 10 हाथ नीचे, यहाँ से कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है जिसका शरई हुक्म है। और ये परखे कैसे हम कंपैटिबिलिटी पर परखने का? देखिए एक नजर में तो नहीं हो सकता, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जरूरी नहीं है कि घर ही बुला के बिठाया जाए, आप कहीं बाहर मिलें, उस उन लोगों के बिहेवियर एटीट्यूड का तो आपको पता चले ना। अपने घर में तो हर अपने वो कहते हैं ना कि अपने कछार में तो चूहा भी शेर होता है, तो आप उनके घर जाएं या वो आपके घर जाएं तो आप हर चीज गुड्डी गुड्डी होगी, लेकिन कहीं आप तीसरी जगह पर हो, एक कॉमन प्लेस हो जहां आपको ये पता चले कि उनका बिहेवियर क्या और आपका बिहेवियर, जहां पे हालात मैच हो, मिजाज मैच हो, बिल्कुल आपका माहौल मैच हो,
तो ये कंपेटेबिलिटी होती है ना कि हालात उस पर. और मैं जैसे मेरी बहन कह रही है कि कंपेटेबिलिटी ढूंढे, मैं आपको कह रहा हूँ डिमांड सप्लाई के हिसाब से कंपेटेबल से एक दर्जा नीचे ढूंढे. एग्जैक्टली, वजह उसकी ये कि लड़कियां ज्यादा हैं लड़के कम हैं, तो कंपेटेबिलिटी में तो बराबर हो नहीं सकते. तो इसलिए आप थोड़ा सा नीचे होके और इस रिश्तों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपका ये मिजाज बन जाएगा. और मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ कि अपनी बच्चियों को अगर आपने हुनर सिखाया है, सलीका सिखाया है, उठना बैठना सिखाया है, तो जब तक वो उस घर के अंदर नहीं गई है जब तक भी अपना ख्याल रख सकती हैं और आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगी, क्योंकि आपने उनको अपने इतना सिखा दिया है कि वो जाने के. अच्छा, ये वाली बच्चियां मैंने देखी है कि अपनी शादी के बाद भी अपने शौहर का बड़ा माशी सहारा भी बनती है, माशी सहारा भी जो है वो बनती है कि वो सपोर्ट करना शुरू करती है. और ये इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि बच्चियों को सलीका सिखाए, हुनर सिखाएं, कढ़ाई सिलाई सिखाएं, फैशन सिखाएं, जूते सिखाएं, मेकअप सिखाएं, बाल बनाने सिखाएं, ये सारी चीजें जो ख्वातीन आसानी से सीख सकती हैं, ये बच्चियों को सिखाएं. इसका अच्छा, मुझे मुझे ऐसा लगता है इन दी एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आजकल की लेटेस्ट माएं हैं जिनकी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, मैं कहती हूँ उनको सिर्फ उनके दिमाग में ये ड्रीम न डालें कोई शहजादा आएगा और दोनों में बिठा के लेके जाएगा. बिल्कुल, ये बहुत नॉन प्रैक्टिकल है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि उसको शहजादा ही मिलेगा. ये तो वही वाली बात है, जोड़े आसमानों पे बनते हैं. और दूसरा, अपनी बेटी को कोई हुनर सिखाएं, जैसे कि बोला मेकअप या कोई और चीज, और बहुत चीजें हैं क्योंकि हाँ. और वैसे प्लीज, मैं सब सारे लोगों को यही कहना चाहूंगी कि हर चीज का वक्त मुकर्रर है. जरूरी नहीं हुई कि आपकी बहन की बेटी की शादी या आपके आपके मियां के भाई की बेटी की शादी एक यंग एज में हो गई तो आपकी बेटी की भी हो, क्योंकि उसकी हुई है तो आपकी. आप डेस्परेट होकर गलत जगह रिश्ता ना करें. आप भी परखें, आपकी बेटी है, आपने अपने हाथ से पाला है उसको, उसकी लाड उठाएं. कैसे हम अपनी बेटी को, मैं कहती हूँ कभी कभार कुछ माँ बाप फेंकते हैं अपनी बेटियों को, प्लीज उसकी कदर करें. वो रहमत है अल्लाह का, अल्लाह की. और अगर आप उसे उसको हुनर देंगे, पढ़ाई लिखाएंगे, तो वो कभी किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी. और उन रिश्तेदारों को भी कहूंगी जो बहुत उन अपने बनते हैं, वो कॉल करके कचौकी लगाना छोड़ दें, पूछना छोड़ दें, आया कोई रिश्ता, आए हाय कोई बात चली तुम्हारी बेटी की. तो ये वाले जो सवाल है उस वक्त जब बेटियां रिजेक्ट हो रही होती है, तीर की तरह दिल पर लगते हैं. वो भी थोड़ा सा थोड़ा हौसला रखें, हो जाएगी, खुशखबरी आएगी तो मिठाई आ जाएगी घर पे. इतनी टेंशन ना तो ना ले इतनी. और आपकी बात बेटा बहुत अच्छी है, वालदैन अगर आपकी बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा, खुदा अपने आप को गुनाहगार ना समझे. बिल्कुल, ये भी एक ऐसा अलमिया है कि कहते क्या गुनाह किया, बच्ची घर बैठी है. मियां से कहा था रिश्वत नहीं ना सारी उम्र, देखो क्या है. जी जी, ये मैंने जुमले सुने लोगों के. एक मां हस्बैंड को कह रही होती है, ये तो बहुत सीधे थे, सीधे 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 अपनी गवर्नमेंट की नौकरी करके निकला है, रिश्वत ली होती तो आज ये नहीं होता, तुम्हारी वजह से सहना पड़ रहा है. अल्लाह करे सब बच्चियों के घर आबाद रहे, लेकिन हलाल पे घर बैठी हुई हराम के घर से बेहतर है. बिल्कुल जी जनाब, ये था हमारा आज का शो. अल्लाह सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनके जो मैचेस खुदा ने बनाए वो उन्हें मिल जाएं. मगर तब तक के लिए थोड़ी सी सब्र रखें अपने अंदर. तो बहुत शुक्रिया राहत आपका कि आपने बुलाया, आपने बुलाया, क्योंकि अक्सर जब कहानियां सुनाने लोग आते हैं तो वो नकाब उन्होंने लगाया होता, कट लगाया होता, नहीं फेस करना. मेरी तो इतनी, मेरी बड़ी सक्सेसफुल जिंदगी, मुझे किसी से छुपाने की जरूरत नहीं. मैं खुश होती हूँ कि खुदा ने मुझे मेरे सब्र के नतीजे में इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे बेहतरीन इन-लॉज, बेहतरीन शौहर दिया, बेहतरीन बच्चे दिए. बहुत सही दुआ है. थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान, जब भी आते हैं इतनी बातें आप सिखा के चले जाते हैं. हमने भी बहुत कुछ सीखा, वो जो वहाँ बैठे हुए नाजरीन है सब, इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा हमेशा. अल्लाह खुश रखे. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी.